अब ये बताओ, संसार में कोई कष्ट चाहता है? कुंती महारानी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि आप देखना संसार में जब लोग दुखी होते हैं ना, तभी भगवान को याद करते हैं। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता है। जब दुखी होते हैं ना, ये भगवान इतना कष्ट क्यों पड़ रहा है हम पर, हमें उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। परंतु सुख में कोई याद नहीं करता भगवान को। कुंती महारानी कह रही है, वाह माथे सुख के सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी में उस दुख की जो कलपल नाम जपाए। जो संसार में सुख के लिए लोग चेष्टा करते हैं, उस सुख के माथे सिल पड़े, उसके उनके सिर पर सिल पड़ जाए। क्यों? क्यों भगवान को याद ही नहीं करते। और मैं बलिहारी में उस दुख की जो पलपल नाम जपाए, और जो बार बार दुख मिलते हैं उसमें क्या होता है, भगवान आपका स्मरण होता है। आपके स्मरण से क्या होगा, आपके स्मरण से जो आपके चरण कमलों का स्मरण करता है, उससे संसार का आवागमन छूट जाता है, संसार में आना नहीं पड़ता। अब अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे ना, क्या होगा, बार बार संसार चक्र में भ्रमण करते रहोगे। इसलिए यहाँ पे बताया कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके भगवान का भजन करना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, सुख में भी भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने कुंती महारानी की स्तुति की। फिर अगले श्लोक में कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी दमान भला गुमान, बता रही है, नैव हत्यम वही काम अकिंचन गोचरम, जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया। उच्च कुल, सबसे उच्च कुल कौन सा है, ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, फिर सबसे नीचे शूद्र है। बता रही है, जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया, ब्राह्मण कुल में, ऐश्वर्य जिसके पास अपार संपत्ति है, अपार धन है, सब कुछ है, और शुद्ध मतलब विद्या, जिसके पास बहुत अधिक विद्या है, और श्री जो बहुत सुंदर है, ऐसे लोगों को आप दर्शन नहीं देते हैं। आप किनको दर्शन देते हैं, जो अकिंचन है। अकिंचन किसको कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। जो रास्ते में रोड में भिखारी देखे आपने, उनके पास कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, परंतु उनको अकिंचन नहीं कहते। उनके पास होता कुछ नहीं है लेकिन उनको अकिंचन नहीं कहते। अकिंचन बताया शास्त्रों में, जिसकी केवल एक ही संपत्ति है, वो संपत्ति क्या है, भगवान। जिसकी केवल भगवान ही संपत्ति है, वही अकिंचन है। आप उसी को दर्शन देते हैं। बाकी जो रोड पर भिखारी घूमते रहते हैं, उनको किसी को दर्शन होते हैं, भगवान के नहीं होते। उसी के लिए कह रही है कि आप उनको दर्शन देते हैं। अब यहाँ पे शिक्षा है, बता रही है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया है तो उसे उच्च कुल का अभिमान हो जाता है। जैसे रावण था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उसका सोने की लंका थी, सब कुछ सोने का था, उसने बताया ना, उसके बाथरूम, ग्रेट, किचन, सब कुछ सोने का था, परंतु उसे अभिमान था, क्या, कि मैं लंका का राजा हूं। अंत में क्या हुआ, भगवान के हाथों मर गया। तो ये अभिमान जिसको होता है उसको भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान के हाथों से मरा परंतु भगवान के दर्शन हुए उसे। भगवान के हाथों से मरने पर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए उसे। इस फिर बता रही है, ऐश्वर्य जिसके पास अपार ऐश्वर्य है, अपार ऐश्वर्य था उसके पास, क्या नहीं, सोने की लंका थी। हमारे पास क्या है, कुछ है, सोना है हमारे पास, कितना, किसी के पास 100 ग्राम, किसी के पास 200 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो 2 किलो तो नहीं होगा, 1 किलो भी नहीं होगा किसी के पास, है ना, पता नहीं कुछ। ये पास से बहुत पैसा, ठीक है, इसलिए कहते हैं ये जो चार चीज जिसको पास में हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, समझना वो बड़े भाग्यवान है। यहाँ पर तो कुंती कहती है, जिसको पास में ये चीज हो तेरा भजन नहीं करता है, अगर जिसको पास में है चीज, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, समझना ये बड़े पुण्यात्मा है, ये बड़े भाग्यशाली है। इसलिए कुंती मैया भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। देखो एक चीज समझो, जैसे इसको थोड़ा आवाज तेज कर दो, प्रश्न का आवाज तेज कर दो। इसलिए कुंती मैया को जो भगवान बोले, बर मांगो
लेकिन कुंती मैया भगवान से बोलती है, बोले प्रभु देना तो मेरे झोली में विपत्ति भर दो, मेरी झोली में क्या भर दो, विपत्ति भर दो। इसका मतलब क्या, जो भगवान की भक्ति करे उनको जीवन में विपत्ति विपत्ति आए? बोले नहीं, ऐसे मतलब नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति करने से समस्त विपत्ति दूर हो जाता है। पर कुंती मैया भगवान से विपत्ति क्यों चाहती है? एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ में तुम्हारी झगड़ा, तुमने बच्चे को बुला, देख बच्चा भले ही जहर खा कर मरना तो मर जाना, लेकिन पड़ोसी को घर में नहीं जाना। इसका मतलब क्या, बच्चे तू जहर खा कर मर जा, इसका मतलब तू पड़ोसी को पास में मत जा। तात्पर्य यह है, भक्त लोग कहते प्रभु तू मेरे को जिस अवस्था में रखना तू रख ले, लेकिन तेरा भजन जैसे नहीं भूलू, हर समय में तेरा याद करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हर समय भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे Yeah।
चक्षुरुन्मीलितं दीनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण एक कोई धर्म मुड़ दो कृष्ण कृष्ण हरे हरे मुड़ दो हरे राम 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 हरे हरे और एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी कोई बात मत करो, बच्चों बच्चे जो बात करेंगे उसको गेट को बाहर छोड़ देना, सबके सब सब चुपचाप घर बैठो। हाँ, गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री सौनकाद ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था। बताओ तो पहला प्रश्न किया था, कौन बोलेगा? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दूसरी प्रश्न क्या थी बोलो, कौन बोलेगा? कोई याद नहीं रखते बच्चों लोग, बड़े बूढ़े को याद नहीं रखे, तुम लोग कोई याद नहीं रखते हम? हाँ, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए जिसका उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम् निपनिर्नित हरि नामानुकीर्तनम्। कलयुग में ठाकुर जी बोले ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, हाथ में जो कुछ करते हो ठाकुर का सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम लो, हाथ में काम और मुंह में बस बड़ा पारी है। अभी प्रश्न है बोले भैया किसको किसको ठाकुर का नाम जप करनी चाहिए, बोलेंगे हम माया में पड़े हुए इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, बोले ऐसे नहीं, कहते जो मुक्त महापुरुष भी वो भी भगवान के नाम ही करते हैं, जैसे श्री हनुमान जी भगवान के राम के सबसे प्यारे भक्त है, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, मतलब श्री शंकर जी के पांच मुंह पंचानन कहते हैं ना, वो भी पंचमुख में ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। माता देवी मैया, एक समय शंकर जी से पूछा प्रभु हम किसकी नाम जप करनी चाहिए, शंकर खुद कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्रा नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। मैया पार्वती देखने में बड़ी सुंदरी, उनको मृग नयन है, बड़ी सुंदरी देखने में, इसलिए कहते हे सुंदरी पार्वती, कहते भगव 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल मिलेगा एक बार राम नाम से वही फल मिलेगा। आप देखना मैया के 8 हाथ में भी 1 हाथ में माला है, आप ब्रह्मा जी को देखोगे 4 हाथ देखोगे 1 हाथ में माला देखोगे, माँ सरस्वती को देखोगे उसमें भी 4 हाथ है उसमें भी 1 माला है। गणेश जी कहते इनकी पूजा सबसे पहले क्यों होता है, ध्यान देकर सुना, सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है, एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई, बोले सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, बोले सबसे पहले उसकी पूजा होगी ये पृथ्वी को जो परिक्रमा करके आ जाएंगे। अभी भारत में प्राइम मिनिस्टर के लिए, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना झगड़ा है, कितने पार्टी हैं सब मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और पूरा 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी होगी, कोई साधारण बात है, बोले जो सबसे पहले जो परिक्रमा करके आएगा उसकी पूजा होगी। हे ब्रह्मा जी हंस वाहन में उड़ चले, कार्तिक मयूर वाहन में, सब अपना बहाना वाहन लेकर चले गए। आप बताओ गणेश जी का वाहन कौन है, हैं मुसक, अभी वो कहाँ जाएंगे, इतना बड़ा पेट है कहाँ लेकर जाए, अभी वो चुपचाप बैठे, इतने में श्री नारद जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले चिंता मत करो, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है, लिखो ठाकुर का नाम कृष्ण का नाम लिखो और उसको 3 बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि भगवान के अंदर में अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड है, हैं इसलिए नाम में, नाम भी भगवान से श्रेष्ठ है, बोले इसको 3 बार परिक्रमा कर लो, वो तो एक एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पता नहीं कितना दिनों में आएगी,
तुम्हारी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड तुम्हारी तीन तीन बार परिक्रमा हो गई, हे गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले माही मजा सो जाना गणराओ प्रथम पूजे अतना मा प्रभाओ। सबसे पहले क्यों पूजा होती है? बोले प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, बोले नाम की प्रभाव से ही सबसे पहले पूजा होती है। इसलिए अगर आप लोग भी हरि का नाम लोगे ना, आप लोग अगर हरि का नाम लेगे ना, देखना तुम्हारी भी पूजा सब जगह में होगी। मीरा का नाम सुनी कि नहीं? कौन कौन जानते हो मीरा का नाम? सब जानते हो। क्यों? मीरा जी की जगत में तो बहुत सारी स्त्रियाँ हुई है, हम तो किसी स्त्री का नाम नहीं ले रहे। तुम्हारी मैया की मैया की मैया की नाम तुम्हें याद है? याद नहीं होगी। लेकिन मीरा को क्यों याद करते हो? हनुमान जी को याद क्यों करते हो? क्योंकि ठाकुर का नाम किया है। अगर आप भी अगर प्रभु का नाम लोगे ना, देखना तुम्हारी भी जयजयकार दुनिया में होगी, सारा दुनिया तुम्हारी भी पूजा करेगी। इसलिए कहते एतत् निर्विद्यमानानां, जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो गए हैं और संसार में वे लोग भी प्रभु का नाम जप करते हैं। और अकूत भयम्, अगर संसार में कोई निर्भय होकर के रहना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए? हरि की नाम लेना चाहिए। प्रभु का नाम से ही निर्भय में रहोगे। जैसे प्रह्लाद महाराज ठाकुर का नाम लेता था, उसका पिता हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए कोशिश किया, बोलते ना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई है। जो भगवान जिनको रक्षा करते हैं उनको जगत में कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, उनका भी जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इच्छताम अकूत भयम, बोले जोगी नाम नृप निर्णितम, कि जितने बड़े बड़े जोगी है भक्त लोग है, जब सारे शास्त्र को विचार किया है, वो कौन सा निर्णय में पहुँचे? बोले हरे नामान कीर्तनम, जितने साधु संत हुए हैं, मीरा को देखो, सूरदास को देखो हैं, हनुमान जी को देखो, तुलसीदास को देखो, उन लोगों ने किया क्या? ठाकुर का नाम ही तो जप किया ना, और क्या किया? सबके सब एक ही ठाकुर के नाम जप किया। बोले हरे नामान कीर्तनम, हरि नाम कीर्तन ही कलयुग में सबसे सरल उपाय, इससे सरल कोई नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने कलयुग में इतने सरल कर दिया, नाम नामकारी बहुता, हरि का कितना नाम है, नाम में मैंने सारे शक्ति प्रदान कर दिया, ये भी नहीं बताया। देखो जब केवल पवित्र अवस्था में हो मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, ये भी मैंने कोई टाइम नहीं रखा, सब अवस्था में कर सकते हो। लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य देखो, तब भी ये कलयुग में भगवान का नाम कोई नहीं लेते हैं। समय मिले तो इधर उधर की बात ने में लगी रहेगी हैं, छोरा छोरी नाती पोती सास बहू की बात में, लेकिन ये बड़ा थोड़ा हरि नाम कर, बोले समय का है। भगवान बड़े दुखी होकर कहते हैं बोले इनकी उद्धार कैसे होएगी हैं, इसलिए क्या करो? भगवान की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। प्रभु एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, लेकिन उनको तीन तरह के भक्त हैं, एक ज्ञानी एक कर्मी और एक जोगी। कहते ज्ञानी उसको एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूप में दर्शन करता है, एक जोगी हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा में ध्यान करता है, और एक भक्त उनको कृष्ण और राम रूप में पूजा करता है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए,
मैं जितने कथा सुनाता हूँ ना सब याद करना, ठीक है ना? याद करते क्यों नहीं ना, यहीं छोड़कर चले जाते हो। सब याद करना, अड़ोसी पड़ोसियों को समझाना। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी मैं कल सबको पूछूंगा, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? अच्छे तरह से सुनो। हाँ देखो, याद रखनी चाहिए, ठाकुर की बात याद रखो, दुनियादारी की बात याद रखकर कोई लाभ नहीं। बोले देखो, एक समय कोई एक गरीब था, वो दर दर भटक रहा था। एक बहुत बड़ा ज्योतिष था जो तुमको देख करके सारे बात बता दे, केवल तुम्हारी मुंह को देख करके बता दे तुम्हारे कितने घर में माल है और वो माल कहाँ पर रखा हुआ है, हैं? और तुम्हारी बेटा कैसे, बेटी कैसे, छोरा कैसे, बहू कैसे, सब तुमको देख करके सारे बात बता दे। एक ज्योतिष था, देखा वो व्यक्ति रो रोड में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बोले भैया इधर आ। बोले तू रास्ता रास्ता में भीख क्यों मांग रहे हो? बोले तो घर में खाने के लिए नहीं। बोले देख बेटा, तेरी जो पिता ना मेरे मित्र थे, तुम्हारे घर में चार ही दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैं, लेकिन जो पूर्व दिशा है, जो सोने की एक कलसी में, ये पूर्व दिशा में हीरे जवाहरात को तेरे पिताजी गाड़ कर गए, मेरे को बोल कर गए हैं, लेकिन देख बेटा सावधान, तुम पश्चिमी दिशा का मिट्टी को खोदना नहीं, उधर खोदोगे ना बहुत बड़े बड़े तत्या रहते हैं, वो तत्या अगर निकलेंगे तो चार पांच काट देंगे तो खत्म हो जाओगे, लेकिन उत्तर दिशा का मिट्टी भी नहीं खोदना, उधर एक जक्ष रहता है, भूत रहता है, अगर उधर खोदोगे तो भूत भी तुमको खा जाएगा हैं। अगर तुम दक्षिण दिशा की मिट्टी खोदोगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर सर्प रहता है, अगर वो निकलेगा तो जिंदा ही तेरे को निकल जाएगा, लेकिन वो जो माल है ना वो रखा हुआ पूर्व दिशा में, ज़्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे पूरा माल माल निकलेगा। ए माला माल हो जाएगे तुम। बोले मेरे पिताजी इतने सारे धन संपत्ति रख कर गए, मेरे को बताई नहीं, वो गया सचमुच से पूर्व दिशा का थोड़ी सी मिट्टी हटाया, सोने की खान निकली हैं, एक एक बिका तो अरब खरब रुपया माला माल हो गए। देखो ये चीज को समझो, कहते चार दिशा मतलब है, कहते एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक योग मार्ग और एक भक्ति मार्ग। कहते देखो तुम ज्ञान मार्ग में नहीं जाना, वो अजगर सर्प है, सर्प जैसे निगल लेता है ना, ये मुक्ति जीव को निकाल लेती है, इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, जो व्यक्ति कहते हैं भगवान के शब्द निराकार है, कुछ ऐसे पति है ना निराकार पति हैं, बोले खबरदार ये ब्रह्मवाद का तरफ में नहीं जाना, ज्ञान मार्ग में। जैसे सर्प निगल जाती हैं, ऐसे ही मुक्ति जीव को निगल जाती है, लेकिन जीव कौन है? हम भगवान की बच्चे हैं। हमारे पिता कौन है? बांके बिहारी। वो कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। एक दिन पुत्र को पिताजी की संपत्ति में अधिकार, अभी सुन रहे थे ना, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप भगवान है, अगर उनको भक्ति करोगे तो आनंद तुमको मिलेगा, जैसे हनुमान जी को आनंद मिला कि नहीं, राम की सेवा राम की काम करते हैं, हैं? कहते ना जाही विधि राखे राम ताहि विधि रही है, उसके बाद में सीताराम 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 कहिए, जाय मुखी में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं से प्यारे राम तेरे साथ में। हम भगवान की औलाद है, एक दिन अगर उनकी भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी का सारे संपत्ति का मालिक हम ही बनेंगे, वो आनंद स्वरूप है, हैं? इसलिए अगर हम मुक्ति मार्ग में जाओगे तो जैसे लीन हो जाएगा, अगर उसमें तुम्हारी सत्ता ही नहीं रहेगा, भक्ति में ही लगी नहीं, इसलिए ज्ञान मार्ग में जाना नहीं। बोले योग मार्ग में नहीं जाना, उधर भी एक यक्ष है, वो भी एक तरह का मुक्ति मार्ग है, जो व्यक्ति अंगुष्ठ परिमाण पुरुष को हृदय में ध्यान करते हैं, बोले उधर भी नहीं जाना, वो भी यक्ष तुमको खा जाएगा। और तू कर्म मार्ग में नहीं जाना, कर्म मार्ग में क्या ततैया, कर्म में ततैया, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म की, कर्म के अनुरूप हमें यह शरीर मिला है, लेकिन देखो संसार में, अब कर्म मार्ग में जाओगे संसार में भटकते रहोगे संसार में, और संसार में आओगे तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी दुखी रहोगे। इसलिए कहते कर्म मार्ग में फंसना नहीं, किधर जाना? प्रभु की भक्ति, प्रभु की
भक्ति प्रभु को प्रेम मार्ग में जाओ पूर्व दिशा, बोले ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी खोदोगे माल निकलेगा। मतलब क्या है, कहते प्रभु का जो भक्ति मार्ग है सरल मार्ग है, भक्ति में कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है। कल एकादशी रखे थे, कौन कौन रखे थे? एकादशी में भी बढ़िया बढ़िया प्रसाद, हम तो किस घर में गए, बड़े सुंदर सुंदर गर्म गर्म पकौड़ा बनाए थे, और क्या बनाए थे, फिर मखाना का खीर बनाए थे, हैं बड़े सुंदर सब्जी बनाए थे, मूंगफली बनाए थे, मखाना क्या क्या, एकादशी में भी बढ़िया बढ़िया प्रसाद, जैसे कथा सुन रहे हो, भक्ति है लेकिन आनंद है ना, कीर्तन में नाच रहे हो, ठाकुर की कथा सुन रहे हो। कहते जो भक्ति मार्ग में है ना, कहते भक्ति भी रिजु मार्ग भी, भक्ति मार्ग है सरल मार्ग, आनंद मार्ग है। यहाँ पर लड्डू और ऊपर में भी लड्डू ही लड्डू है, यहाँ पर भी साधन करोगे, यहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाओगे, प्रभु का कीर्तन में खूब गाओ नाचो, और जब ठाकुर के पास में जाओ आनंद ही आनंद है। और भक्ति में कोई परिश्रम नहीं है, इसमें कोई परिश्रम नहीं प्रभु का भक्ति में। इसलिए कहते कौन सा मार्ग में जानी चाहिए, बोले प्रभु का प्रेम मार्ग में, प्रभु की भक्ति मार्ग में हमें चलनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कहते ऐसे जो ठाकुर जी है, बोले जदा जदाई धर्मस्य ग्लानी भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम। ऐसे जो भगवान हैं, ये युग युग में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करते हैं और अपना भक्तों को रक्षा करते हैं। ठाकुर का जो पहला अवतार हुए हैं, ठाकुर जी चतुसन रूप में आए, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है। इन्होंने क्या जगत को सिखा दिया, ब्रह्मचर्य रहते हुए प्रभु की भजन करनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी इनको सृष्टि की, बोले बच्चों सृष्टि का काम करो, बोले पिताजी हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो प्रभु का भजन में आनंद मिलना चाहते। इसलिए इनका उम्र हर समय 5 साल, इससे ज़्यादा उम्र कभी होती नहीं, और एकदम नंगे रहते हैं, और जहाँ जाते हैं ना सब सर्वत्र इनके पूज्य है। कभी उन्होंने पृथ्वी महाराज को घर में आए, पृथ्वी महाराज कहते हैं बोले तुलया मल्लब नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम की मुता शिष्य है। कहते जब इन्होंने पृथ्वी महाराज जी घर में आए, बोले अगर जीवन में एक लाभ अगर साधु संग हो जाए, बोले एक लाभ कितना समय है, जैसे एक सेकंड, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, उस वक्त का 1वां भाग को एक लाभ कहते हैं। अगर जीवन में इतना भी समय जीवन में साधु संग हो जाए, बस जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी, सर्व सिद्धि हो जाएगी, हैं। इसलिए कहते ना संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी। इसलिए ये जो चतुसन है, इन्होंने हर समय 5 साल उम्र में रहते हैं और भगवान की भजन करते, कभी ये बूढ़े नहीं होते, कभी ये बूढ़े नहीं होते। बोले बूढ़े क्यों नहीं होते हैं, बोले ये जो सूरज है ना ये काल है, जैसे ये पूर्व दिशा में उदय हुए और पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं, एक दिन ही हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। हम कहते ना लाला की उम्र कितना हो गया, बोले मेरा लाला 10 साल की हो गई। बोले आपकी उम्र कितना, बोले 30 साल की। बोले नहीं हम कोई बड़े नहीं हो रहे, सब छोटे हो रहे। कोई बड़े हो रहे हो, सब छोटे हो रहे हैं, लाला बड़ा नहीं हो रहे, लाला छोटा हो रहा है। माने इतना साल बचना तो 10 साल गया, अगर 30 साल हो गए मतलब क्या, हमारे 30 साल चला गया, 30 साल हमारी चली गई। लेकिन श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं सभी का काल तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का समय नष्ट नहीं हो रहा है। बोले किसका समय नष्ट नहीं हो रहा है, बोले तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जो जितना समय हम भगवान के भजन में, ठाकुर को सेवा में, ठाकुर की कथा में सुन रहे हो ना, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो कथा सुन रहे हो, सबका काल तो ये सूरज नष्ट कर रहा है, ये काल है।
लेकिन आप लोगों का समय को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये काल का जो काल कौन है? श्री ठाकुर जी। जो ठाकुर का भक्ति करे, कथा सुने, वहां पर कोई भी प्रभाव काल की नहीं पड़ती है। आप काल से ऊपर हो। अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए, हैं? नहीं आए। अगर मृत्यु आ जाए ना, जब तक ये कथा में बैठे ना, तब तक तो कोई मरेगा नहीं। जब दूत भी नहीं आएगा, वो गेट को बाहर खड़ा रहेगा। बोले क्यों? बोले ये ठाकुर का कथा सुन रहे हैं। कथा सुनना मतलब होता है ठाकुर का गोद में बैठे हो। कहाँ पर बैठे हो? ठाकुर की। जैसे बच्चा देखना, जब माँ की गोद में सो जाए ना, निश्चिंत होकर सोता है। क्यों? मैया की गोद में सोया है। मैया रखिया करेगी, इसलिए हमारी मैया कौन है? तो मैं वह माता च पिता तो मैं ठाकुर हमारी माँ है। कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर की गोद में तुम बैठे हो, भगवान की गोद में बैठे हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान की ये पहला अवतार। ठाकुर का दूसरा अवतार है बराह। बोले भगवान बराह रूप में कब प्रकट हुए? जब पितामह ब्रह्मा जी मनु महाराज को आदेश दिया, ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ धीरे धीरे, लेकिन ये पृथ्वी थी नहीं। बोले पृथ्वी है नहीं, सृष्टि कहाँ से करूँ? तब ब्रह्मा जी छींके, छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया। बोले श्री भगवान बराह देव की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री बराह भगवान की। हाँ, लगे कथा हो रही है, लेकिन भाई अब पुलिस नहीं आ जाए। हाँ, इसलिए कहते ये भगवान बराह हुए हैं और उनने पृथ्वी को उत्तोलन किए। कहते ये और बराह भगवान ने क्या किया? इन्होंने हिरणाक्ष को उन्होंने बद किया। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को बद की। देखो ध्यान देके सुनो, कहते शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए, इसको याद रख लेना। पहला काम, ठीक शाम के समय में पढ़ाई मत करो। अगर जो बच्चा एकदम शाम का समय में पढ़ेगा ना, उसको याद कोई चीज़ नहीं रहेगी। कभी कभी बोलते ना, बच्चा तो घर में पढ़ता है लेकिन जब पेपर देने जाए से भूल जाता है। पढ़ाई का समय को बदलाना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ठीक शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। उसी समय में जो व्यक्ति भोजन करेगा, उसका पेट कभी सही नहीं रहेगा, हर समय उसका पेट खराब रहेगा, हैं? तीसरा काम है, शाम का समय में सो मत। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना, वो जिंदगी भर गरीबी रहेगा। उसको घर में माँ लक्ष्मी कभी घर में नहीं आएगी, दरिद्रता घर में बनी रहेगी। चौथा काम है शाम का समय पर, कहते उसी समय में सहवास, पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। इसलिए ये हिरणा के हिरण्यकश्यप क्यों हुए? बोले ठीक शाम का समय था, जो दीति ने राजकुमारी बड़ी सुंदरी सीसा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर अपना श्रृंगार की, श्रृंगार करते हुए अपना रूप को श्रृंगार की, अपना रूप को देख कर कितने वो मुग्ध हो गई, अपना काम को संभाल नहीं सकी। अपना पति को पास में गए, पर मिलने के लिए प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा, देखो दीदी, ये समय अच्छी नहीं है। ये शंकर जी ठीक शाम का समय में भूत पिशाचों को लेकर के शंकर जी भ्रमण करते हैं, इसलिए ये समय अच्छी नहीं। लेकिन वो तो काम में बहुत ही ज़्यादा आतुर हो गई थी। उनने पति से जोर जबरदस्ती मिले। पति ने कहा, दीदी तुमने अच्छे काम नहीं किया, तेरे पेट में दो राक्षस जन्म लेंगे, दो राक्षस जन्म लेंगे तुम्हारे पेट में। दुखी हो गई। बोले प्रभु, मेरे अपराध हो गया है, मेरे अपराध को माफ करो। काम में मुग्ध हो गई थी, मेरे अपराध को माफ करो, मेरी अपराध हो गई थी। बोले देखो, गलती तो की है, देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, माफ़ी मांग लो, इसने अकड़ करके मत रहो। अरे हम ऐसे कर सकते हैं? हमारी हो ही नहीं सकती। अगर अकड़ रहोगे ना, फिर तुम्हारी अपराध दूर नहीं जाएगी, हैं? इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरी अपराध हो गई, अकड़ी नहीं। बोले देखो, गलती तो तुमने किया है, बच्चा तो राक्षस बनेगा ही, लेकिन तुम्हारे जो पोता होगा ना, ये परम भक्त बन करके जन्म लेगा। इसलिए बेटा तो बोला हिरण्यकश्यप, उसका जो बेटे का बेटा हुआ प्रह्लाद है, और इतने बड़े भक्त प्रह्लाद हुए। हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
सचमुच से प्रहलाद ने ये वाक्य को स्थापित कर दिया। पिता पूछे तेरे भगवान कहाँ हैं, बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले खंभे में मैं क्या, बोले सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, बोले पहले तेरे भगवान को दिखाऊंगा बाद में तेरे को दिखाऊंगा। मारे मुष्टि का घात तो एकदम खंभा फट गया, भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, इसलिए कहते ये भगवान वराह देव हुए, जो तीसरा अवतार श्री नारद जी हुए। अब नारद जी का नाम सुने हो, सुने कि नहीं, लेकिन जगत में नारद का नाम बड़ा बदनाम है। हम कहते ना भैया क्या तो नारद का काम कर रहे हो बीच में, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हो, नहीं, नारद जी भगवान की परम भक्त है। इनका नाम नारद मतलब क्या, जो कभी रद्द नहीं होते हैं। नार मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान प्रदान करे, ये नारद जी हैं। इसलिए इनकी बगैर ठाकुर का कोई भक्ति कोई लीला ही नहीं हुई। देखो जो भागवत सुन रहे हो किसका कारण है, श्री नारद जी का कारण है। पहले याद है कि नहीं, नारद जब आए कैलाश में माता पार्वती को भड़का करके चले गए, शंकर और किसको प्रेम करते हैं अंदर अंदर में, बस पार्वती तो नाराज हो गई, मान कर ली। शंकर जी से पूछे तो बोले किसकी मुंडक की माला, बोले तेरी, बोले क्यों, बोले जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तब तक तेरे मुंडक को मैंने माला रूप में धारण कर लेता हूँ। बोले प्रभु ऐसे कौन सा अमर बटी को पान करके रखा मर नहीं रही, मैं मर गई मर जाती हूँ। बोले भागवत कथा रूपी अमर बटी, बोले मेरे को भी पिलाओ। बास उन्होंने अमरनाथ में सुनाया, इसलिए कथा का नाम पड़ गया अमर कथा हो गया। इसका भी कारण हो गया नारद। बोले रामायण का कारण कौन है, नारद जी है। एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय क्या हुआ, नारद जी कठोर तपस्या की, जब तपस्या की इंद्र डर गया, बोले हो ना हो भगवान जब खुश हो जाए, अगर ये भगवान से अगर प्रार्थना करेगा इंद्रपद देने के दे दो, अब फिर तो मेरा इंद्रपद ही चली जाएगा। इतने में इंद्र ने क्या किया, रंभा उर्वशी मेनका, ये अप्सरियों को भेज दिया, इसका भजन को नष्ट कर दो। हे आकर के वहाँ पर बसंत ऋतु प्रकट हो गया, हे बड़े सुंदर से फूल, बड़े सुंदर से सुगंधी हैं, सेंट ला करके चारी तरफ में एकदम काम उद्दीपक वस्तु को प्रकट कर दिया। नारद तो तपस्या कर रहे थे, इतने में मेनका रंभा उर्वशी आकर के वहाँ नाच गान शुरू कर दी। इतने में नारद जब आँख खुले ना वो डर गए, भाग गए सब के सब। बोले क्यों भाग गए, बोले शंकर जी जब तपस्या कर रहे थे उसी समय में कामदेव ने उनको तपस्या को नष्ट कर दिया था, इसलिए शंकर जी तीसरा नेत्र खोले तो उसको जला करके अनंग कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। बोले अगर नारद जी बिगड़ गए तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। इतने में सबके सब भाग गए, और इतने में नारद जी का तो बड़ा अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान हो गया, बोले जगत में जो काम कोई नहीं कर पाए वो काम मैंने कर लिया। बोले किया, बोले काम को कोई नहीं जीत सके। शंकर जी भोले बाबा जब भगवान मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुए ना, शंकर जी पार्वती गोद में बैठी हुई थी, पार्वती बड़ी सुंदरी है, लेकिन जब मोहिनी रूप शंकर जी ने देखा पार्वती को फेंक दिया गोद से और पूरा नंगे होकर के मोहिनी को पीछे एकदम घूम गए। ब्रह्मा जी अपना एक बेटी, उन्होंने बेटी को प्रकट की, इतने उनकी सुंदर थी बेटी, ब्रह्मा जी अपना बेटी को देख करके उसको पीछे भागे। कहते वैसे विश्वामित्र जी बड़े तपस्या कर रहे थे कहाँ पहाड़ के ऊपर में, लेकिन मेनका की चरण की एक नुपुर की झंकार से सारे तपस्या तपस्या खत्म हो गई। इंद्र जी अहल्या के प्रति आसक्त हो गए हैं, इसलिए कोई भी माया को जीत नहीं पाए, लेकिन मैं एक नारद हूँ ये माया को मैंने जीत लिया, बड़ा अभिमान हो गया। तब उन्होंने ये अभिमान लेकर शंकर जी को पास में गए, बोले भोले बाबा आप जो काम नहीं कर सके वो काम तो मैंने की। बोले किया, ए बच्चों बात मत करो चुपचाप बैठो, यहाँ मुंह में हाथ लगा कर, मुंह में हाथ लगा सो के सब। इसलिए बोले जो काम कोई नहीं कर पाए वो काम मैंने कर लिया। बोले किया है, बोले माया को जीत लिया। शंकर जी बोले राम 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 राम, पहले मैं भी सोचता था जोगी जोगी महाजोगी मैं हूँ, देव देव महादेव हूँ, और जब मोहिनी रूप देखा ना मैं भी पागल हो गया था। भैया अभिमान मत करो, अभिमान सुरापात।
बोले इतना बड़ा काम किया शंकर जी, मेरे बाबा नहीं दिए, पिताजी को पास में, ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले पिताजी जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाए वो काम मैंने किया। बोले क्या की? बोले माया को जीत लिया। बोले राम 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 राम। बेटा तेरे को पता नहीं ये माया की कितने करामती है, खबरदार ये बात और किसको मत कहा करो। और जिसको पास में जाए तो कोई उसको बाहवा नहीं दे। बोले इतना बड़ा काम मैंने की, मेरे कोई बाहवा नहीं देते। बोले भगवान विष्णु को पास में चलो। भगवान विष्णु को पास में गए। बोले प्रभु जी जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाई वो काम मैंने की। बोले क्या की? बोले मैंने माया को जीत लिया। भगवान देखा इसका फोड़ा हो गया, इसको ऑपरेशन करनी चाहिए। देखो जब भगवान की भक्ति करो ना, कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। जो अभिमान है ना, ये भक्ति से तुम्हें गिरा देती है। इसलिए कभी भी मन में कभी अभिमान नहीं लाओ। इसलिए भगवान कहते हैं अगर भक्ति करना तो तुम्हारे अंदर में चार ही गुण आनी चाहिए, तभी प्रभु की भक्ति कर सकते हो। बताओ चार गुण क्या क्या है? क्या क्या चार गुण? इसलिए कहते चार गुण मतलब है, सुन लो, इसलिए कहते त्रिनादपि सुनिचे न। बोले त्रीन मतलब होता है घास। बोले घास से भी ज्यादा दीनहीन बन कर रहो। दूसरी गुण है तरोरपि सही सुनना, जो पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। कहते ना जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए दूसरी है सहन शक्ति होनी चाहिए। तीसरी गुण है सबको यथा योग्य सम्मान दो, क्योंकि सभी का हृदय में ठाकुर का निवास है। सबका हृदय में किसकी निवास है? ठाकुर जी का निवास। इसलिए सबको सम्मान दिया करो, कभी किसी को असम्मान मत करो। चौथा गुण है खुद कभी सम्मान की इच्छा मत रखो, सबको सम्मान दो, कभी अपनी सम्मान की इच्छा कभी मत रखा करो। कहते अगर ये चार गुण आ जाए ना, फिर तो भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं, खुद निश्चिंत होकर भक्ति कर सकते हो। लेकिन ठाकुर जी ने देखा इसके अंदर तो अभिमान आ गया, मैं तो माया को जीत लिया। बोले इसका ऑपरेशन करनी चाहिए। इतने में ठाकुर जी बोले नारद जी मैं एक मायापति हूँ, तू तो मेरा बेटा, तू तो मायापति हो गए। पीठ पर खूब हाथ थपथपाए, ए छाती तक एकदम सीना तान, एकदम छाती चौड़ा हो गया। अरे प्रभु सचमुच से इज्जत प्रभु ही जानते देना। इतने में भगवान खूब हवा दिए, ए नारद तो वैकुंठ से उतर रहे थे। इतने में बीच में ठाकुर जी एक स्वयंवर सभा की तैयारी कर दी। बड़े बड़े जहाँ पर राजा लोग आए हुए, देवता लोग आए हुए, वहाँ पर एक विश्व सुंदरी लड़की, वो लड़की और कोई नहीं, वो स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। ये माँ लक्ष्मी एक वरमाला लेकर के वहाँ पर स्वयंवर सभा हो रही थी, और उनके एक पिताजी बने हुए। जब नारद जी आए ना, उनको पिताजी नारद जी को स्वागत करके ले आए। बोले नारद जी मेरी बेटी की स्वयंवर सभा हो रही है, मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी उसको साथ में शादी होगी मेरी बेटी की। थोड़ा मेरे बेटी को थोड़ा हाथ देख लो, तो थोड़ा हाथ को देख लो। लेकिन वो कौन थी? माँ लक्ष्मी स्वयं थी। नारद जी ने बोले ये जो बेटी है ना, ये तो लगता है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है। ये बेटी जिसकी घर में जाएगी ना, लक्ष्मी अचला रूप में उसके घर में लक्ष्मी टिकी रहेगी। और ये बेटी की शादी जिसको साथ में होगी वो बड़े सौभाग्यवान होगा, जगत में उसका बड़ा जस फैलेगा। इतने में नारद जी वो लक्ष्मी की हाथ देखने में इतने सुंदर थी, वो हाथ देख करके फंस गया। हैं बोले वाह लड़की तो बड़ी सुंदरी, सर्व सौभाग्यवती। भैया जगत में सबके सब दो दो है, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, इंद्र इंद्राणी, सबके सब जुड़ा जुड़ा। फिर मैं अकेला क्यों रहूं? मैं भी इसको साथ में शादी कर लेता हूं, इतनी सुंदरी लड़की, सर्व सौभाग्यवती। अभी नारद जी के मुंह में तो पानी आ गया, लेकिन वो स्वयंवर सभा, लेकिन वो स्वयंवर सभा में लड़की की जिसको पसंद होगी उसकी गला में माला डालेगी। लेकिन नारद जी ने देखा मेरा शरीर तो भजन करते करते एकदम रोगा शरीर, अभी तो वो मेरे को पसंद नहीं करेगी, हड्डी खाड्डी। लेकिन जगत में जो सबसे सुंदर प्रभु नारायण है। बोले अभी अभी मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ,
नारायण सबसे सुंदर, अगर थोड़ी समय के लिए नारायण का रूप ले आओ ना, ये लड़की मेरी गला में ही माला मेरे गला में डाल देगी। इतने में नारद सीधा वैकुंठ गए, जाकर के बोले प्रभु अब तक मैंने आपसे किसी चीज मांगी नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ी चीज थोड़ी समय के लिए दे दिया करो। बोले कौन सा चीज? बोले आपका जो ये हरि रूप है ना, मेरे को थोड़ी समय के लिए दे दो। देखो ये हरि बंदर का नाम भी एक हरि है, हैं? भगवान ने बोले ठीक है जैसे तेरी इच्छा। भगवान ने क्या किया, अपना रूप तो दिया नहीं, एक काला बंदर होता है ना लंगूर, कहते उनकी मुंह उसको दे दिया, काला बंदर का मुंह। लेकिन उसने क्या सोचा, ठाकुर जी अपना रूप मेरे को दे दिया। सीधा वहां से उतर करके आए, जब उतर करके आए स्वयंवर सभा हो रही थी, लड़की ढूंढ रही थी सुंदर पुरुष जिसको गले में माला दूंगा। इतने में नारद जी, लड़की जिधर जाए ना नारद घूम करके वहीं चले जाते हैं, अपना सर को ऐसे कर देते हैं, बोले मेरे गला में माला डाल दो। लेकिन उसका मुंह तो काला बंदर का मुंह, वो लड़की नाक को सिकुड़ाते हुए दूसरे तरफ में चली जाती है। नारद जी सोच रहे हैं शायद इसका नजर मेरे तरफ पे पड़ नहीं रहा है, इसलिए माला नहीं डाल रही। फिर वो लड़की जिधर जाती ना, फिर नारद जी घूम करके उधर चली जाती। ए नारद जी को उन्होंने चक्कर लगा दिया, लड़की पूरा हैं चक्कर लगा दी। इतने में भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए, और आते ही वो लड़की ने सीधा माला नारायण की गला में डाले, नारायण गरुड़ के ऊपर बैठा है और सीधा वैकुंठ। जब जा रहे थे इतने में देवता ने बोले नारद जी थोड़ी सी अपना मुंह तो देखो कैसे हो, एक उनको शीशा पकड़वा दिया। नारद जी देखा एकदम काला बंदर का मुंह है। नारद जी को तो इतना क्रोध आ गया, बोले तू दुनिया को नाच नचाते हो इसे, बोला मैं अपना हरि रूप दे दिया, तू आकर लड़की को ले जा रहे हो। इतने में नारद जी भगवान को अभिशाप दे दिया, मैं तेरे को अभिशाप देता हूं, जिस लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर भटका दिया, इसी लड़की को पीछे एक दिन तू भी दर दर भटकोगे। इतने में भगवान ने अपना माया को हटा दी। जब माया को हटा दिया नारद बोले हाय रे ये क्या हुआ, मैं तो भगवान को पास में अभिमान लेकर गया था, मैंने माया को जीत लिया, अभी तो साक्षात लक्ष्मी को ऊपर आसक्त हो गया। फिर नारद जी प्रभु की चरण में गिर करके रोने लगे, प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, हैं अपराध को माफ कर दो। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, मेरी इच्छा है, देखो तुमने जो अभिशाप दिया है ना, ये रामावतार में यही लक्ष्मी है, जब ये रावण इसको उठा कर ले जाएगा इसी लड़की को पीछे, अब रामायण देखे ना, जब रावण सीता को उठा करके ले गया उसी समय भगवान राम हा सीते देखा है ना रामायण कैसे भगवान उसको पीछे पीछे कैसे घूम रहे थे। लेकिन मैं भी एक वरदान देता हूं, जब रावण उसको उठा ले जाएगा ना उसी समय तेरे जैसे काले बंदर मुंह वाले मेरे को मदद करेंगे, और इनकी मदद से माता सीता को मैं उद्धार करूंगा। इसका मूल कारण क्या हो गया, रावण आएंगे नारद जी, मतलब ये नारद जी के बगैर ठाकुर का कोई लीला हुई नहीं। बोले श्री नारद बाबा की जय, जय श्री राधे। इसलिए भगवान की जो चौथा बता रहे हैं, बोले नर नारायण ऋषि रूप में भगवान बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया तपस्या तो इंसान को करनी चाहिए, ये ठाकुर जी क्यों तपस्या करते हैं? ठाकुर जी को पता कलयुग में जो जीव है ना वो भगवान की तपस्या नहीं कर सकता है, उनका हिम्मत है ही नहीं। लेकिन ठाकुर ने वरदान दिया, अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए और मेरे को दर्शन कर ले, मैं जो बैठ करके तपस्या करता हूँ इसकी छठवां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही फल मिल जाएगा। बोले श्री बद्री विशाल की। आप लोग कोई गए हो बद्रीनाथ? कौन कौन गए हाथ उठाओ, पीछे एक भैया गए, और कौन गए? हे भग कोई नहीं गए, तुमने गई हो? हे और एक माता जी गई है, हाँ आप बताओ कौन जाना चाहते हो, आप सबको एक बार हम ले आएंगे, कौन जाना चाहते हो हाथ उठाओ जोर से, हाथ कोई नहीं उठा रहे, जाओ किसे, हाँ देखो सुना, अगर ये सुना इधर, अगर ये करुणा सही रहे ना
अगर ये करुणा अगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हमारी एक भक्त है, उनकी इच्छा है बद्रीनाथ में कथा कराने का, जैसे यहाँ भागवत सुन रहे हो ना, यहाँ पर कथा सुनने का तुम्हें जितना फल मिलेगा बद्रीनाथ में, क्यों, वहीं पर व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ वहीं पर लिखे हैं, और वहाँ पर भगवान तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ, वहाँ पर अलकानंदा है बह रही है, हैं, बड़ा सुंदर स्थान है। कद अगर वहाँ पर कोई भागवत सुने, यहाँ पर जैसे एक माला करते हो, वहाँ पर एक माला कर तो हजार माला करने का फल मिलता है। यहाँ पर कथा सुनने का जितने तुम्हें भक्ति मिलेगी, जितने महत्व, वहाँ पर कथा सुनने का हजार गुण ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर ये चारिधाम एक बार कोई कर ले, ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, केवल तो नारायण को दर्शन करते ही वहाँ पर छठवां भाग तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन कहते हैं इनको एक बार कोई दर्शन कर ले उसको संसार में पुनर्बार जन्म नहीं होता है, बड़ी महिमा है। इसलिए अगर आप इच्छा करोगे ना, एक बार आपको ये चार धाम करा देंगे, कथा भी सुन लोगे और ये चार धाम भी कर लोगे, ठीक है? कौन जाएगा, जाओगे? हाँ ठीक है, देखो वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, तब भी कोशिश करना थोड़ी थोड़ी पैसा को अभी से थोड़ी थोड़ी वहाँ पर देखा, और क्या बना रहे थे वहाँ पर, मिट्टी का पात्र जो पैसा रखते हैं, गुल्लक, वहाँ पर रास्ता में देखा गुल्लक है, आप आज एक ही गुल्लक उठा कर ले जाना वहाँ से, ठीक है, 10-20 रुपया की होगा, और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी पैसा है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी रखते रहना है, और जब तोड़ोगे कुछ ना कुछ तो पैसा हो ही जाएगा, बस जीवन में कहाँ से चार धाम तो हो जाएगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ऐसे श्री सुत गोस्वामी उनने भगवान की, उन्होंने 26 अवतार के नाम को गिनाया, लेकिन गिनाते उसमें उन्होंने बोले जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार है। इतने में सुतो गोस्वामी तो डर गए, बोले क्यों, बोले जो कृष्ण है ये अवतार नहीं, ये अवतारी। अवतारी का मतलब होता है जितने सारे अवतार कहाँ से आए, बोले भगवान श्री कृष्ण से आए। जो कृष्ण है ये 16 कला में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र बांके बिहारी। इसलिए सुत गोस्वामी इनके लिए फिर अलग श्लोक लिखते हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे श्री सौनकाद ऋषियों, अभी तक मैंने जिन जिनियों का नाम लिया, मत्स्य कुर्म बराव, ये कौन और कृष्ण कौन है? बोले जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म और सनातन, ये कृष्ण जो सलकला में परिपूर्ण है। देखो आपके घर में जो ये लड्डू गोपाल बैठे हैं ना, वो देखने के लिए लगता है छोटे हैं, ये खोटे बड़े हैं, वो देखने के लिए लग रहे हैं छोटे, ये साधारण नहीं, सारा दुनिया की मालिक यही है, जितने सारे अवतार हैं विश्व ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाए, हे अर्जुन तो देख ले मैं कौन हूँ। जितने इंद्र चंद्र वायु वरुण मत्स्य कुर्म सब के सब मेरे अंदर में, हे अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ। देखो एक अच्छे तरीके को समझो, हैं, जैसे भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, जब आप कृष्ण को प्रणाम कर लिया ना, क्या हुआ, समस्त देवा देवी और जितने अवतार सबको प्रणाम करना हो गया, क्योंकि इनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। जैसे हम कहते ना 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवा देवी, आप बताओ कितने को मनाओगे, एक मनाओगे तो दूसरे मुँह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे फिर तीसरा मुँह फुला कर बैठ जाएगा, हैं, कितने को मनाओगे। लेकिन ये गोपाल ऐसे कहें, अगर ये अगर मान गए, कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको पर ठाकुर जी की कृपा हो गई उसको पर सबका कृपा हो जाती है। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा हो, दो उदाहरण किया दिया, कल मैं पूछूंगा। जैसे ये एक बरगद का पेड़ है, एक पेड़ है, अगर हमने ये पेड़ का जड़ में पानी दे दिया
ये पेड़ क्या होगा, पूरा के पूरा हरा भरा रहेंगे। अगर हमने जड़ में पानी नहीं दिया, दिन भर उसको पत्ते को धोते रहे, उसका फूल को धोते रहे, उसको टहनिया को धोते रहे, लेकिन इसका जड़ में पानी नहीं दिया, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? बोलो, नहीं रहेगा ना। लेकिन तुम कहीं भी पानी नहीं दे रहे हो, उसकी जड़ में पानी दे रहे हो, जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगी। दूसरा उदाहरण दी, बोले प्राण उपहारश्च जतेन्द्रियाणाम, जैसे भोजन हम मुंह में देते हैं ना भोजन, अगर मुंह में भोजन दे तो क्या होगा, आंख भी काम करेगी, कान में भी सुन पाओगे, हाथ में भी काम कर पाओगे। अगर किसी ने मुंह में आहार नहीं दिया, बोले आंखों में देखता ना तो डाल डाल दो, कान में सुनाते एक रोटी दे दो, हाथ में काम करते फाड़ करते चावल भर दो, कोई करते हो, कोई करते हो क्या? नहीं करते हो। तो भोजन कहाँ पर देते हो? मुंह में। जैसे मुंह में भोजन देने से समस्त इंद्रियां काम करती हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तथैव सर्व अहरण अच्युतैजा, उसी तरह जो अच्युत जो कृष्ण हैं, ये जो गोपाल तुम्हारे घर में बैठे, लड्डू गोपाल जी बैठे, कहते इनकी पूजा करने से क्या होगा, अगर कृष्ण अगर खुश हो गया ना, ये विश्व ब्रह्मांड जिनकी पूजा करते हैं, अगर ये खुश हो गया तो विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाएगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय भजन गा लो, जय जय श्री राधे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एक भजन सुन लो। Yeah.
श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए
उपस्थित समस्त हरिकथा श्रोत मंडली, वैष्णव वैष्णवी, सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण ये धाम को छोड़कर और निज धाम को चले गए तो कुंती मैया ने साथ साथ ही अपना शरीर छोड़ दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण करके और निज धाम को प्राप्त हुए। उस समय पर परीक्षित महाराज ने शासन लिया। परीक्षित महाराज का जब राजत्व होने लगा उनका विवाह हुआ श्री ईरावती से और उनके चार पुत्र हुए जिसमें सबसे छोटा पुत्र था जन्मेजय। उसी ने अपने पिता की मृत्यु का परिशोध लेने के लिए बाद में यज्ञ किया था। अभी जब परीक्षित महाराज राजत्व कर रहे थे एक समय उन्होंने देखा दिग्विजय करते करते अपने राज्य में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा एक गैया और एक बछड़ा दोनों आपस में बात करते करते जा रहे हैं। वो गैया बड़ा ही क्षीण कलेवर बड़ी ही दुबली पतली और जो बछड़ा था वो बछड़ा भी उसके तीन पैर टूटे हुए थे और एक पैर पर विराजमान था। दोनों आपस में बात करते करते जब जा रहे थे परीक्षित महाराज ने देखा कि ये गाय और बछड़ा कोई साधारण नहीं हो सकते। वो गैया साक्षात थी पृथ्वी और वो बछड़ा था धर्म। धर्म साक्षात बछड़े का स्वरूप लेकर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। धर्म प्रश्न करता है बोले पृथ्वी तुम इतनी दुखी क्यों हो इतना क्षीण कलेवर क्या बात है। तब पृथ्वी उसका उत्तर देते हुए कहती है कि भगवान कृष्ण इस धाम को छोड़कर अपने निज धाम को चले गए हैं। जब वो यहाँ पर विराजते थे तो उनके प्रताप से मैं बहुत ही प्रफुल्लित रहती थी। ब्रज गोपियां साक्षात वेणुगीत के अंदर वर्णन करती है कि वृंदावन भूमि की कृष्ण के विराजने से कितनी अद्भुत शोभा है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंदम वेणु अनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि सानु अवतरान्य समस्त सत्वम। वृंदावन भूमि ये ब्रज भूमि के अंदर जो घास उगती थी कहते ये घास नहीं आप देखना कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते थे कृष्ण ने कभी पादुका धारण नहीं करी कृष्ण नंगे पैर जाते थे। कभी मैया यशोदा ने कृष्ण से कहा कि लाला मैंने तेरे लिए ये जूती बनाई है और एक छतरी कहां तो धूप में गैया के पीछे पीछे घूमता है तेरे पैरों में कांटे लगते होंगे ये जूती तू पहन ले और अपने मस्तक पे छत्र धारण करके जाइयो। कृष्ण कहने लगे कि मैया हम ग्वाला हैं ये गैया ही हमारा धन संपत्ति है अगर आप चाहते हो कि मैं जूता धारण करूं तो आप देखो इन 9 लाख गैयों के लिए भी आपको चार चार जूती और एक एक छतरी बनानी पड़ेगी। इसलिए गौवंश का पालन करते थे भगवान ने कभी पादुका धारण नहीं करी ब्रज के अंदर। और जब कृष्ण के चरणों का स्पर्श इस ब्रज भूमि को प्राप्त होता था तो उसके मानो रोंगटे खिल जाते थे। वो घास जो उगती थी वो साक्षात पृथ्वी के रोंगटे खिल जाते थे। जो झरने बहते थे गोवर्धन आदि में जो झरने बहते थे वो झरने नहीं साक्षात अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं आनंद के मारे पृथ्वी के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। इतनी शोभा थी ब्रज भूमि की वृंदावन भूमि की। इसलिए पृथ्वी यहाँ पर कहती है कि प्रभु के जाने के बाद में अब असुरों का उत्पात बढ़े जा रहा है और विशेष करके इस कली का आगमन हो रहा है तो इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। और धर्म वो भी तीन पैरों पर था। परीक्षित महाराज ने देखा कि वहां पर एक शूद्र राजा काले वस्त्रों में उस धर्म का चौथा पैर भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। धर्म के चार चरण है कौन कौन से तप सत्य दान और दया। तो इसीलिए इन चार पैरों पर धर्म सतयुग के अंदर विराजमान था लेकिन कलयुग आते आते धर्म के तीन पैर टूट गए केवल मात्र एक पैर पर खड़ा था। और ये शूद्र राजा ये शूद्र कौन था ये शूद्र साक्षात कली। ये कली क्या कर रहा था धर्म के उस चौथे चरण को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि कलयुग के अंदर मैं कोई धर्म कार्य रहने ही नहीं दूंगा मैं धर्म को पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा। इस चेष्टा से यह शूद्र राजा उनको मारने की चेष्टा कर रहा था। अभी परीक्षित महाराज ने तो जैसे ही देखा बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर निकाली अपनी मयान से तलवार मारने के लिए जब आतुर हुए उसी समय पर ये कली शरणागत हो गया। जानता है कि परीक्षित महाराज अर्जुन के वंशज हैं ये शरणागत को कभी मारेंगे नहीं इसलिए चरणों में गिर गया। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो आप मुझे मारो मत। प्रश्न किया कि तुम कौन हो बोले मैं कली हूं आपके अभी राजत्व आया है लेकिन सत्य त्रेता द्वापर ये तीनों मेरे भाई हैं ये तीनों तो चले गए अभी मेरा समय है जहां भी मैं जाता हूँ देखता हूँ आपका ही राजत्व है। अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां आप मुझे भी दया करके स्थान प्रदान करो। उसी समय पर परीक्षित महाराज विचार करने लगे कि कली को स्थान क्यों कली मतलब क्या कली मतलब कलह जहां पर
दुख क्लेश लड़ाई झगड़ा यही सब हो, वही कला है, वही कली है। तो कली को स्थान क्यों दे? परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम यहां से अन्यत्र चले जाओ वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पूरी पृथ्वी पे तो आप ही का राज है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो परीक्षित महाराज विचार करने लगे कि कली के अंदर दोष क्या है और गुण क्या है। उन्हीं समय पर उनको स्मरण आया, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। कहते हैं कलयुग के अंदर दोष ही दोष है, कलयुग के अंदर यद्यपि दोष ही दोष है लेकिन एक विशेष गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। अरे इसी कलयुग के अंदर ही केवल मात्र भगवान अपने शब्दमय रूप ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमें हमारे ऊपर दया करने के लिए आविर्भूत हुए हैं, और इसका यदि कोई एक बार जप करे तो अनायास इस भव सागर से पार हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज विचार करने लगे कि ये हरि कृष्ण महामंत्र ये जो कलयुग है यद्यपि इसके अंदर बड़े सारे दोष हैं लेकिन यदि कोई कृष्ण का कीर्तन करे, केशव कीर्तन यदि कोई करे तो क्या करेगा? वो भगवान के परम पद का अधिकारी बनेगा। इसीलिए विचार करके उन्होंने बड़ा सोच समझ कर और कलयुग को चार जगह पर स्थान दिया। कितनी जगह पर? चार जगह पर कलयुग को स्थान दिया। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानाने कलये ददो दुतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्मश्चतुर्विदा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं चार स्थान कौन कौन से हैं? दुतम पानम स्त्रियम और सोना। सबसे पहली बात बता रहे हैं कली का निवास कहाँ है। कहते हैं जो लोग जुआ खेलते हैं दुतम, इसलिए देखो युधिष्ठिर महाराज स्वयं शिक्षा देते हैं भैया जुआ मत खेला करो। जुआ खेलने से परीक्षित युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की कितनी दुर्गति हुई? सबसे पहले तो राज्य गया, उसके बाद में अपने भाइयों को भी दाव पर लगा दिया, भाई भी चले गए। पत्नी को जब दाव पे लगाया तो भरी सभा के अंदर द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज तो साक्षात धर्म स्वरूप है ना, वो ही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जुआ खेलने से कितनी दुर्गति हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले जब हम नोएडा में थे गुरुजी के पास में एक व्यक्ति आया था, बोले बाबा हम बड़े रईस थे लेकिन मेरा बेटा सट्टेबाजी करता था, क्रिकेट के अंदर आईपीएल चल रहे थे सट्टे लगाता था, अभी लास्ट में मैच जीतने में 6 रन रह गए, उसने सट्टा लगाया तो सारी की सारी मेरी संपत्ति लुटा दी, कहां हम जो करोड़पति थे कहां भी रोड़पति हो गए। इतनी दुर्गति, जो लोग सट्टा करते हैं जो लोग जुआ खेलते हैं कहते नहीं साक्षात कली का निवास है वहां पर, इसलिए पहला स्थान दिया ये जुआ के अंदर। दूसरा बता रहे पानम, पानम अर्थात जो लोग नशीली वस्तु ग्रहण करते हैं जैसे शराब गुटखा अंडा शराब गुटखा और पान बीड़ी सिगरेट ये सब भांग, ये सारी सब ये नशीली वस्तु ये नहीं ग्रहण करनी चाहिए, यहाँ तक कि चाय भी। देखो ये नशीली वस्तु यदि कोई ग्रहण करे तो कभी तपस्या नहीं कर सकता, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, यहाँ तक कि चाय भी। देखो चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, आप कहोगे चाय में क्या दोष है, चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं है लेकिन देखो चाय के अंदर एक निकोटिन एक ड्रग्स मिलाई जाती है और उसको करने से नशा हो जाता है। आप विचार करके देखना जिन लोगों को चाय पीने की लत है जिन लोगों को चाय पीने की आदत है जब चाय पीने का समय होता है ना अपने आप अंदर से बेचैनी होने लग जाती है, अगर नहीं मिले तो माथा दुखने लग जाएगा कब चाय मिले कब चाय मिले, है ना ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक निकोटिन जहर मिलाते हैं, कॉफी कॉफी के अंदर भी कैफीन होता है, ये एक नशा है स्लो पॉइजन है, धीरे 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 पीते 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 हमको वो नशा लग गया, अब उसके बिना काम नहीं चलता, है ना। तो चाय ना पी के उसकी जगह एक जो हर्बल टी आती है हर्बल टी ले सकते हो, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो चाय हटा के हर्बल टी गोकुल टी ये सारे उसके रिप्लेसमेंट है ये सब लोग। तो किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, नशा हो तो एकमात्र भगवान के भजन का भगवान की भक्ति का नशा हो वही सबसे सर्वश्रेष्ठ नशा है, है ना। तो दूसरा स्थान प्रदान किया परीक्षित महाराज ने ये नशा के अंदर पानम। तीसरा स्थान प्रदान किया स्त्रियों, भैया स्त्रियों में भी कली का वास है, अभी प्रश्न उठता है स्त्रियों में कैसे कली का वास। कहते हैं जो लोग अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से मिलते हैं उसके अंदर कली का निवास है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो ये तरीका का होता है अवैध रूप में, हमारे शास्त्र में जैसे बताया है विवाह करो विवाह करके घर गृहस्थी में प्रवेश करो, अपनी पत्नी के साथ एकमात्र संबंध रहना चाहिए और सारी महिलाएं
हमारी बहन है या माता है, इसी समान दृष्टि रहनी चाहिए। अवैध रूप में जो लोग मिलते हैं, भागवतम के अंदर पंचम स्कंद के वर्णन है, जो लोग अवैध रूप में स्त्री पुरुष मिलते हैं, इतनी बुरी दुर्गति होती है उनकी, मरने के बाद में उनको नर्क में ले जाया जाता है, और नर्क के अंदर एक जलती हुई स्त्री, एक जलते हुए स्त्री को उससे जबरदस्ती आलिंगन करवाया जाता है, इतनी यातना मिलती है नर्क के अंदर जो लोग अवैध रूप में स्त्री पुरुष जो मिलते हैं। इसलिए घर गृहस्थी हो, हमारे वैवाहिक रूप में जिस तरह शास्त्र में वर्णन है उसके अनुरूप विवाह करके घर गृहस्थी में प्रवेश करो। इसलिए बताया तीसरा स्थान स्त्रियम, और चौथा स्थान बताया जीव हिंसा। जो लोग मांस मछली अंडा यहाँ तक कि प्याज लहसुन जो लोग ग्रहण करते हैं, इसके अंदर साक्षात कली का निवास है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग जीव हिंसा करते हैं, किसी जीव को मारकर और खाना, उससे जीव के हृदय में दया नहीं रह जाती, ये दया नष्ट हो जाती है। आप देखो केवल मात्र 2 इंच की जीवा के लिए किसी प्राणी की हत्या कर दी और हत्या करके उसको मारकर खा रहे हो, उसके जीव में हृदय में कभी दया रह सकती है? दवाई नहीं रह सकती। इसलिए वहां पर कली का निवास है। प्याज लहसुन में क्या दोष है? देखो प्याज लहसुन पुराणों के अंदर कथा आती है, पहले के समय पर ऋषि मुनि कभी भी गैया को मरने नहीं देते थे। आश्रम में जो गैया पालते थे, वो गैया कभी मान लो वृद्ध हो गई तो क्या करते थे, उसको यज्ञ के अंदर बलि देते थे। सब ऋषियों के हाथ में एक एक अंश देके उसको बलि देते थे, और जैसे ही मंत्र पढ़ते थे, मंत्र पढ़ने पर तुरंत उस यज्ञ से कुंड से नवनवायन होकर वो गैया प्रकट हो जाती थी। एक समय पर किसी ऋषि ने गैया को बलि देने के लिए प्रस्तुत हुए, सभी ऋषियों के हाथ में एक एक भाग दे दिया। अभी सब तरह के ऋषि होते हैं, एक तरह एक ऋषि था, उसने उस मांस का पिंड खाने के लिए उसको राख में छुपा दिया। जैसे ही सबने आहुति दी, ये ऋषि ने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ा तो गाय जब वापस उत्पन्न हुई एकदम नए यौवन, लेकिन जवानी बनके प्रकट हुई, लेकिन उसके एक जगह पर घाव था, जिस शरीर के हिस्से का मांस छुपा के रख दिया वहां पर इतना बड़ा घाव था। ऋषि तो साधारण थे नहीं, उन्होंने जब ध्यान लगाकर देखा तो देखा कि किसी ने छुपा दिया है। उन्होंने तभी के तभी अभिशाप दे दिया कि जिस स्थान पर ये मांस को छुपाया गया है उस स्थान पर प्याज की सृष्टि होगी, जिस स्थान पर ये हड्डी को गाड़ा गया उस स्थान पर लहसुन का पौधा होगा, जहां पर खून की बूंदे गिरी है वहां पर मसूर की दाल होगी। इसलिए आप देखना मांस से सृष्टि होने के कारण ये प्याज लहसुन ये मसूर की दाल ये सब ठाकुर को भोग नहीं लगती। नवरात्रि दिनों में हम लोग खाते हैं, कोई भी नवरात्रि के दिनों में ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि देवी माँ को पसंद नहीं है ना, तामसिक भोजन है। इसीलिए कभी भी प्याज लहसुन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दया भाव ये नष्ट हो जाता है। अभी जब परीक्षित महाराज ने 4 स्थानों पर कली को वास दिया, तब पर भी उनको शांति नहीं मिली। बोले मैं कहाँ ढूंढू, कहाँ जुआ खेल रहे हैं, कहाँ पर स्त्री संघ है, इत्यादि इत्यादि। तो वापस से जब कलियुग ने याचना करी, परीक्षित महाराज ने उनको और एक स्थान प्रदान किया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, कह रहे हैं 5वां स्थान प्रदान किया सोना में, अर्थात पैसा स्वर्ण के अंदर उन्होंने स्थान प्रदान किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पैसे के अंदर कली का वास कैसे हुआ? कहते हैं पैसा लक्ष्मी है, पैसा तो साक्षात लक्ष्मी है ना, उसके अंदर कली का वास नहीं है, लेकिन जो लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं उसके अंदर कली का वास है। विशेष करके देखो लक्ष्मी के, इसलिए बताते हैं 2 वाहन है लक्ष्मी के, कौन कौन से लक्ष्मी के कौन कौन से वाहन है बताओ। देखो लक्ष्मी का 1 वाहन बताया उल्लू, लक्ष्मी जी का देखोगे ना छवि, उसका 1 वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जब हम भगवान की लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बोले लक्ष्मी जी हमारे घर में आओ, हम धन धान्य कर दो हमको, तो लक्ष्मी जी को अगर अकेले बुलाओगे, अपने भोग के लिए बुलाओगे, तब तो लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आएगी और हमको भी उल्लू बना देगी, हमको भी उल्लू बना देगी। अर्थात लक्ष्मी को बुला रहे हो किस उद्देश्य से? लक्ष्मी को यदि भगवान की सेवा के लिए बुला रहे हो तब जाकर लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी, तब तो लक्ष्मी आएगी नारायण के साथ में गरुड़ के ऊपर बैठ के, और जब गरुड़ के ऊपर बैठकर आएगी तो साक्षात हमारे घर को भी वैकुंठ बना देगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए देखो जो भी घर में पैसा आता है, जो भी घर में लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी की सार्थकता इसी में है कि हम उसका भगवान की सेवा में प्रयोग करें। यदि उस पैसे का भोग हमारे खुद के भोग के प्रति कर रहे हो, यदि उस पैसे का उपयोग खुद के भोग के लिए कर रहे हो, वो कभी शांति नहीं दे सकता। पूर्व कर्मों के अनुसार मान लो इस जीवन में पैसा थोड़ा बहुत मिल भी गया,
तो लक्ष्मी कभी शांति नहीं देगी। लक्ष्मी नाराज है ना, आप लक्ष्मी को तो खुद के भोग में लगा रहे हो, लक्ष्मी का तुम्हारे भोग की वस्तु है, लक्ष्मी तो नारायण की है। लक्ष्मी नारायण की सेवा में यदि लगेगी, भगवान की सेवा में यदि लगेगी, तब जाकर घर में सुख शांति रखेगी। नहीं तो भैया मामला मुकदमा कोर्ट केस, कई बहू सास में लड़ाई, बेटे को डिप्रेशन, शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाएगा, सारा पैसा ही शरीर के पीछे लग जाएगा, तरह तरह के दुख कष्ट आएंगे। पैसा होने पर भी सुखी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, एकमात्र यही कारण है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने जो स्वर्ण में स्थान दिया, जो अवैध जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है उसके अंदर स्थान प्रदान किया। अभी एक दिन परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते जब मृगया पर गए थे, उनको आज इतनी प्यास लग रही थी, जंगल में भटकते भटकते बड़े दूर आ गए। अभी उन्होंने वहां पर देखा एक श्रमिक ऋषि का आश्रम था। जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया, देखा श्रमिक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जाकर पानी मांगा, प्यासा हम प्यासा हम। लेकिन ऋषि तो सचमुच तपस्या कर रहे थे, उनकी नींद ही नहीं खुली। परीक्षित महाराज को इतना क्रोध आया, ऐसे ही तो मैं प्यासा हूँ, ऊपर से पानी भी नहीं दे रहे, तपस्या में बैठे हैं, मुझे देखकर नाटक करते हो। वहीं पर एक मृत सर्प था, उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में बांध दिया। अभी वहां से गले में डाल के और परीक्षित महाराज तो चले गए। जैसे ही उस ऋषि का बेटा, श्रमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी, वो जब वहां पर आया, पिता के गले में मृत सर्प को देखकर इतना क्रोधित हो गया, उसी क्षण बड़े क्रोध में तमतमाता हुआ कौशिकी नदी का पानी लेकर हाथ में और अभिशाप दे दिया, पर जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, सप्तम दिवस में उसी को ये तक्षक दर्शन करेगा। ये बोलते ही तो वहां पर क्रंदन करना चालू कर दिया, बेटा रोने लग गया और रोते ही वहां पर श्रमिक ऋषि की आंख खुल गई। टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, भैया परीक्षित महाराज आए थे, इतना बोला मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ प्यासा हूँ, अरे चिल्ला चिल्ला के उनका तो गला फट गया, तुमने तब तुम्हारी आंख नहीं खुली, और अभी बेटा जैसे क्रंदन सुना तुरंत ही आंख खुल गई, ऐसा कैसे हुआ? क्या वो अपना बेटा है इसलिए उसकी आवाज सुनाई दे गई और परीक्षित महाराज की आवाज सुनाई नहीं दी? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसी समय पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, भजन में बैठे थे, लेकिन परीक्षित महाराज कौन है? कहते हैं परीक्षित महाराज है परम वैष्णव। परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज हैं और पांडव तो कृष्ण के विशेष भक्त हैं। अभी परीक्षित महाराज परम वैष्णव है, साधु है। नियम है, यदि कोई साधु हमारे घर पर आए, यदि कोई वैष्णव हमारे घर पर आए, तो उनका अच्छी तरीके से सम्मान करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बताया छह तरीके से वैष्णव के प्रति अपराध होता है। हंती निंदंती वे द्वेष्टि वैष्णवानाम अभिनंदती। कहते हैं हंती, कोई वैष्णव घर में आया, कोई साधु घर में आया, उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके ऊपर प्रहार किया, ये अपराध है। निंदंती, उन वैष्णव में कोई को अभिदेव दोष देखा, उसको दोष को देखकर निंदा कर रहे हो, उसकी चुगली कर रहे हो, बोले नहीं भैया साधु की कभी निंदा मत करो, जितने ही अधोगुण क्यों ना हो भगवान के शरणागत है, भगवान उसको दोष के उस दोष को देखेंगे, उसको सुधारेंगे, तुम कौन होते हो उसकी निंदा करने वाले, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। द्वेष्टि, उनसे कभी द्वेष मत करो। घर में यदि कोई वैष्णव आए तो उनका सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं गुरुजी घर में आए वहीं का वहीं बैठे हुए आराम से, अरे उठ के प्रणाम करो, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करो, वैष्णव का अभिनंदन करना चाहिए। मान लो हमारे घर से कहीं पर जा रहे हैं तो उनको जाते हुए उनको विदा करने के लिए घर से बाहर आओ, ये सारे शास्त्रों में नियम है। अभी परीक्षित महाराज उनके घर में आए, आश्रम में आए, लेकिन वो तो आराम से तपस्या में बैठे थे, है ना, उनका अभिनंदन नहीं किया, तो इसलिए वैष्णव अपराध हुआ। अपराध होने के कारण क्या हुआ? उनकी भजन से गिरना पड़ा, उनकी तपस्या टूट गई। एक तो ये कारण बताया। दूसरा कारण कहते हैं कि यदि वो तपस्या में ही बैठे रहते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला है। अभी परीक्षित महाराज के माध्यम से ये भागवत प्रकाशित कर दी है। जब परीक्षित महाराज को पता चलेगा कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, तभी जाकर तो वो भगवान के शरण लेंगे और ये भागवत ग्रंथ सुनेंगे। तो इसीलिए भागवत ग्रंथ के प्रकाशन के लिए उन्होंने ये तपस्या टूट गई। अभी जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, अपने पुत्र के प्रति बड़े क्रोधित हो गए, बोले स्तब्ध बालक, कहां परीक्षित महाराज जैसे परम वैष्णव हमारे आश्रम में आए, अरे उनको पानी पिलाना तो दूर की बात, तूने और उन्हें अभिशाप दे दिया, अरे ऐसे राजा के कारण ही तो हम आराम से भजन कर पा रहे हैं, ऐसे राजा की कृपा है हमारे राज्य के ऊपर जो हम निश्चित रूप में भजन करते हैं, जाओ एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को बोलकर और परीक्षित महाराज को सूचित किया कि 7 दिन के अंदर आप मरने वाले हैं। इस तरह परीक्षित महाराज भी बड़े दुखी हो रहे थे,
कि कहां मैंने इस प्यास के कारण इतना क्रोधित होकर एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, आज मैंने ठीक काम नहीं किया। मनी मन वो दुखी भी हो रहे थे। उसी समय पर जैसे उनको सूचना मिली कि मुझे अभिशाप मिला है, बड़े प्रसन्न हो गए। अरे किसी को अभिशाप मिलता है तब प्रसन्न होता है? लेकिन परीक्षित महाराज इतने परम भक्त भगवान के पूर्ण शरणागत आज बड़े प्रसन्न होकर मनी मन सोच रहे हैं कि मैंने जो गलती करी थी मुझे उसका फल मिल गया, मुझे उसका दंड, ये दंड मैं डिजर्व करता हूँ, ये दंड मुझे मिलना ही चाहिए था। आज मुझे जब ये अभिशाप मिला है, ये अभिशाप नहीं, ये तो परम वरदान है मेरे लिए, क्योंकि मृत्युर्वे प्राणिनाम दुवम। कह रहे हैं व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। अरे जिनका जन्म हुआ है जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो एक दिन होनी है, आज कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं होता कि मेरी मृत्यु कब होगी। लेकिन परीक्षित महाराज को ये श्योरिटी हो गई कि 7 दिन तक तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे पास 7 दिन है। अब ये 7 दिन मैं क्या करूंगा, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर उनकी कथा श्रवण करते करते मैं बिताऊंगा। उसी समय उन्होंने क्या किया, राज्य कार्य को छोड़ दिया, छोटे बेटे को राजा घोषित करके अनशन व्रत लेकर और गंगा जी के तट पर आ गए। गंगा जी के तट पर आकर क्यों, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरणामृत। आगे हम श्रवण करेंगे, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, जब उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया, भगवान का चरण ही ऊपर बढ़ते बढ़ते जब विरजा नदी को स्पर्श हुआ, उसी से ये गंगा देवी आई है जिसको श्री भोले बाबा ने अपने मस्तक पर धारण किया। बोलो श्री गंगा देवी की। पतित पावनी गंगा का आश्रय लेकर परीक्षित महाराज वहां पर विराजमान हुए, और जैसे ही परीक्षित महाराज की सूचना का सभी ऋषियों को पता चला, पूरे ब्रह्मांड से वहां पर ऋषि देवता गण सब एकत्रित हो गए। सब वहां पर बैठ बैठकर परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे थे कि अब तुम्हारे पास 7 दिन ही हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि जो मरणशील व्यक्ति हो, जिसके मृत्यु अभी निकट हो, उसका क्या कर्तव्य है, क्या उसे करना चाहिए। उसी समय पर कोई ऋषि कहने लगा कि भैया आप तपस्या करो, तपस्या करने से परम सिद्धि प्राप्त होगी। किसी ने कहा कि आप दान करो, किसी ने कहा कि आप यज्ञ करो, किसी ने कहा आप योग करो, सब अलग 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 बात कहने लगे। नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। अभी परीक्षित महाराज विचार कर रहे हैं, भैया का वर्षा जब कृषि सुख आई, अरे मेरे पास तो 7 ही दिन है, और ये लोग तो आपस आपस में ही लड़ने लग गए, ये करो ये करो ये करो, अरे मेरी मृत्यु तो निकट है, इतनी निकट है, मेरे पास तो इस सब वाद विवाद के लिए समय नहीं। उसी समय पर शरणागत होकर भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु आप ही ने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और उसके ताप से मैं माँ के गर्भ में जल रहा था, आप ही ने मेरी उस समय पर रक्षा करी, आज भी मेरे अंतिम समय पर आप ही मुझे मार्गदर्शन प्रदान करो। उसी समय पर वहां पर क्या देखा, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेश। उसी समय पर वहां पर 16 साल के श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए, नाचते गाते कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप में उन्मत्त, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे तो उनको पागल समझकर उनके ऊपर धूल झोंक रहे थे, युवतियां तो उनको देख देख कर पूरी बावरी हो गई थी, अरे ये साक्षात कामदेव प्रकट हुआ है ना, कौन आ गया, उसको देख देख कर सारी युवतियां आश्चर्यचकित हो गई। कृष्ण प्रेम में कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और आते ही आते वहां पर जो सब ऋषि मुनि थे उनको उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके और जो उनसे श्रेष्ठ आसन था उसको अलंकृत कर कर विराजमान हो गए। बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी की। 16 साल के बालक, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं, अरे ये शरीर ही तो एक वस्त्र है, इसके ऊपर और वस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता। वृतश्च बालेर अवधूत वेश, एक अवधूत जिसको बाह्य शरीर की बिल्कुल स्फूर्ति ही नहीं रहती, इस प्रकार का वेश धारण करके परीक्षित महाराज के सामने जब सुखदेव गोस्वामी बैठे, बैठते ही उन्होंने तो प्रश्न की छड़ी लगा दी। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं नियमानश्च सर्वथा। कह रहे प्रभु
मरणशील व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है? आप दया करके मुझे ये बतलाओ। परीक्षित महाराज को ये प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, भैया मैं अभी आकर बैठा हूँ, मेरा पसीना भी नहीं सूखे और तुमने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले प्रभु मैं जानता हूँ आप जैसे परमहंस साधु गौलोकन काल से ज्यादा एक स्थान पर रहते नहीं है, इसीलिए मानो प्रश्न करके मैंने आपको बांध दिया, अभी आप आराम से इस चीज का उत्तर प्रदान करें। अभी इसके बाद में परीक्षित महाराज को क्या उत्तर मिलता है, सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं, वो सब आगे हम गुरु महाराज के मुख से श्रवण करेंगे। वंशाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बोलो श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की जय। जय श्री नारायण। हाँ देखो, कल है भागवत की चौथा दिन, चौथा दिन में कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, ब्रज में एकदम हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाले ही जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा और चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब पहन करके बधाई देने जाएंगे, और जितने गोप लोग थे ना वो तो छह छह महीना पहले बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले हम भी नंद के लाला होने पर हम भी बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले। फिर ये ब्रज गोपी को, ये गुजरी, ये गुजरी को गोपियों को गुजरी कहती, तुम भी सब गुजरी गुजरी ना तो साहब, इसलिए गुजरिया खोल खेवरिया तेरे घर में आया हूँ, इसलिए तुम भी कल सबके सब क्या करना, 84 गज लहंगा चुंदरी पहन करके। हाँ हंस रहे हो, इसलिए बढ़िया बढ़िया। देखो कल ठाकुर ही जन्म लेंगे ना, भक्त जैसे कोई शादी विवाह में कितने अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके जाते हैं, कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले सब सब धज करके बढ़िया से भगवान को बधाई देने के लिए आना, ठीक है। और जो कथा है सब आप लोगों की कथा है, जैसे उसमें लुटाने के लिए कुछ खिलौना कुछ टफी है, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जोर जोर जय कन्हैया। कल खूब बढ़िया से नंदोत्सव मनाएंगे, कल सब ठाकुर जन्म लेने वाले, कल नरसिंह भगवान भी जन्म लेंगे, कल बामन भगवान भी जन्म लेंगे, और अंत में भगवान श्री कृष्ण भी कल जन्म लेने वाले, ठीक है। सब सत भज कर बढ़िया से आना, और बच्चों को सब ग्वाल वाल सब गोप गोपी बना करके लाना, जितने बच्चे हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना करके गोप गोपी बना करके लाना है, तो तुम लोग गुजरी हो। हाँ कल बढ़िया एकदम गुजरी बढ़िया से साड़ी भाड़ी पहन करके आना, ठीक है। हाँ अभी श्री, हाँ देखो भागवत में खड़े जाओ, इसलिए भागवत में कहते श्री सुखदेव गोस्वामी ये वक्ता है और श्री परीक्षित महाराज श्रोता है, इसलिए श्री दोनों जो श्रोता और वक्ता है ना, दोनों कोई साधारण नहीं। अभी सुन रहे थे ना श्री परीक्षित महाराज, इनका नाम परीक्षित नाम क्यों पड़ा, जैसे कभी हम भजन करते हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जनामा मोनी जाता नगराई, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। सब एक बार हाथ उठा के बोले बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सिद्ध श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग सोमार्थ सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद माताएं समस्त चरण में धन का यथाजी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जिस समय परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया सुखदेव गोस्वामी से कि अभी श्रवण कर रहे थे उसी समय ये बात कौन किसको कह रहे हैं ये नैमिषारण्य में ये सनकादि ऋषि ये सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। अब सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं प्रभु आप कृपा करके हमें जो वक्ता के चरित्र वक्ता के बारे में और श्रोता के बारे में भी कृपा करके थोड़ा बताइए। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो वक्ता हैं वो भी परम भागवत हैं और जो श्रोता हैं वो भी कोई साधारण नहीं वो भी परम महाभागवत हैं। दोनों के दोनों ही भगवान के निज प्रियजन हैं। अब वक्ता के जो महिमा बता रहे हैं जो कथा करने वाले हैं उनका महिमा बता रहे हैं कि क्या उनका महिमा है। जिस समय मातृ गर्भ से प्रकट पैदा होते ही वन के तरफ चले गए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी वन के तरफ चले गए पीछे मुड़के भी देखा नहीं संसार को पूरा छोड़ के पूर्ण वैराग्य हो गया और अपने नाड़ी को खुद से छेदन करके खुद वन में चले गए। अब वेद व्यास जी महाराज सोच रहे इतने मुश्किल से जो श्रीमद भागवतम जो मूल अमूल गुण तत्वों को इन्होंने रचना किया है इनको किसको दिया जाए किसको सिखाया जाए किसको चेला बनाया जाए इसके लिए कोई उपयुक्त पात्र होना चाहिए इसके लिए कोई उपयुक्त जो उसको समझने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। तो बता रहे श्रीमद भागवतम क्या है परम निर्मत्सर नाम सदा परम निर्मत्सर व्यक्ति के लिए है। तो तब याद रह गया व्यास जी के उनके जो पुत्र वो ब्रह्मज्ञानी बन के जंगल की तरफ भाग गए हैं और उनको कैसे लाया जाए। इतने में व्यास जी अपने चार शिष्य को बुलाते हैं और चार शिष्य को बोलते हैं देखो मेरा एक तोता खो गया है जाके जंगल में ढूंढ के लेके आओ। बोले गुरु जी जंगल में तो बहुत सारे तोता है कैसे ढूंढ के लेके आएंगे देखो मैं तुम्हें चार श्लोक बताता हूँ चार मंत्र देता हूँ तुम्हें तुम ये मंत्र क्या करना पाठ करने लगना और जैसे ही मंत्र पढ़ोगे कोई अगर तोता तुम्हारे पास आके पकड़ में आ जाए तो जान लेना ये वही तोता मेरा ही तोता उसको मेरे पास ले आना। जो आ गया गुरुदेव चार शिष्य को चार मंत्र सिखा दिया वेद व्यास जी ने और उसको जंगल में भेज दिया। और जैसे ही जंगल में जाते हैं घूमते घूमते शिष्य लोग संविधा चयन करने लगे लकड़ी ले रहे हैं फूल फल ले रहे हैं और एक शिष्य ने वहाँ पे बड़े सुंदर रूप में एक श्लोक पहला श्लोक को उच्चारण किया बरहा पीड़न नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वास कनक कपिसयं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं पाविशद् गीतकीर्ति। ये कृष्ण के कृष्ण कितने सुंदर हैं इसका इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ये गोपियां वेणु गीत के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में जो वेणु गीत किया था गोपियां कृष्ण के सुंदर को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार का सुंदर है कि कृष्ण कैसे न बरहा पीड़म उनके बड़े सर पे बड़े सुंदर मोर मुकुट है गले में बड़े सुंदर वैजयंती माला है पांच फूल का माला जो गले से लेकर चरण को स्पर्श कर रहा है और कृष्ण अपने सखा सखियों के साथ बड़े सुंदर से मनसी धारण करते हुए वृंदावन में गाय चराते हुए सखाओलों के साथ परिवेष्टितम सखा के साथ वहां पे अपने नटवर वपु को हिला हिला करके और कृष्ण के एक कान में बड़े सुंदर एक कनेर के फूल पुष्प है जो अत्यंत मनमोहर है और इतने सुंदर भगवान क्या कर रहे हैं वृंदावन में सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जा रहे हैं।
और बहनों वादन कर रहे हैं वृंदावन में, और सखा लोग क्या कर रहे हैं, सखा लोग उनके कीर्ति गानम, उनके कीर्ति को गान कर रहे हैं। सुना है आज कृष्ण ने बकासुर को मार दिया, अरे ऐसे ऐसे था बकासुर। सुनो आज कृष्ण ने पूतना को मार दिया, सुनो आज कृष्ण ने शकटासुर को मार दिया, असुर को मार दिया। ऐसे सखा लोग कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, और कृष्ण के गुणगान करते करते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये बात को सुनते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, तब सुखदेव गोस्वामी के कान खड़े हो गए। जंगल में वो ब्रह्म ज्ञान में लीन थे, ब्रह्म ज्ञान में लीन थे, ब्रह्मा ब्रह्म में ही पूरा पूरा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए ही चले गए थे। जो निर्विकार निराकार मानते हैं भगवान को, उसमें ही चले गए थे। जब सुनते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण का इतने सुंदर चटा है, तो भाई उनका नाम क्या होगा? अब सुंदर होने से थोड़ी ना चलेगा, उनका नाम क्या, नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो दूसरे जो शिष्य थे उन्होंने बता दिया कि उनका नाम क्या है, ना श्री कृष्णाय गोविंदाय नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कौन है? ना कृष्ण, ये कृष्ण यानी इनका कृष्ण नाम है। तो कृष्ण यानी क्या, क्री मतलब आकर्षित कर देना, ना अपने तरफ को आकर्षित कर देना, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और कृष्ण इनके नाम होने के कारण इसको बता रहे हैं कि इनका दूसरा अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है काला। काला यानी कौवा जैसे काला नहीं है, हमारे ठाकुर काले कलोटे नहीं है। काला यानी कृष्ण यानी किस प्रकार का, ना इंद्र नील मणि स्वरूप, जो मेघ का स्वरूप होता है ना, जो ऊपर इंद्र नील अत्यंत सुंदर स्वरूप। मेघ कैसे बनता है, हम सुनते हैं ना, जैसे समंदर में पानी सूर्य किरण से बाष्पीभूत रूप के ऊपर जाता है, और उस पर ऊपर जाके एक घनीभूत रूप धारण करता है। जल का दूसरे नाम कृपा है, जल का एक नाम कृपा है, इसलिए जो मेघ भी बनता है ना, तो उसी मेघ का जो स्वरूप होता है वो पूरा घनश्याम स्वरूप, हमारे ठाकुर का स्वरूप उसी प्रकार घनश्याम स्वरूप है। अब बता रहे हैं कि कृष्ण को वो ये मेघ के साथ कौन तुलना कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, कृष्ण क्या है ना, करुणा के सिंधु हैं, इसलिए इनको सिंधु यानी समंदर, इसलिए इनको मेघ के साथ यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। अब इनका नाम भी सुन लिया, अब सुखदेव गोस्वामी भागे, भाग करके आ गए, भाई कौन है, अच्छा इतने सुंदर है, इतना नाम है, तो बताओ इनका परिवार कैसे है। परिवार भी बड़े धनी मानी परिवार है, और इनका देव की नंदनायच, देव की के पुत्र है और वसुदेव की भी पुत्र है, और तो और ये नंद और यशोमती का भी ये पुत्र है, इसलिए इनका बड़ा भारी महिमा है। अच्छा नाम ठीक है, दिखने में भी सही है, परिवार के लोग भी सही हैं, अब क्या चाहिए बताओ, अब घरवाले इनका कैसा है। तो तीसरे जो शिष्य थे उन्होंने श्लोक बोला कि चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभिपालयन्त लक्ष्मी सहस्र सतत स्रभ्रमान स्मरामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भाई घर पे बड़े घर के हैं, इनका घर भी बड़े घर के हैं। ना घर क्या है, कैसे किस प्रकार का है, बता रहे हैं कि हमारे घर में जैसे नौकर चाकर रहते हैं ना, उनके घर में भी नौकर चाकर है। कौन से नौकर चाकर, हम सब लोग एक लक्ष्मी को पूजा करते हैं कि नहीं, एक लक्ष्मी कितने धन दे सकते हैं, बहुत धन देने में सामर्थ्य है, लेकिन उनके घर में सहस्र सहस्र लक्ष्मी, हजार हजार संख्या का लक्ष्मी घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं। अब बताओ उनके घर में क्या सोने चांदी और धन का कोई अभाव होगा, जहाँ लक्ष्मी नौकरी करते हैं उनके घर में। अच्छा और क्या, ना कल्प वृक्ष है उनके जो घर है, उनके जो जगह है, उसी जगह क्या है ना, कल्प वृक्ष है, वहाँ धूल धूल के लिए स्तुति करते हैं। तो बोला कि अच्छा ऐसा कौन से जगह है भाई जो धूल धूल के लिए स्तुति करते हैं। फिर और एक उसी शिष्य ने ही बोला, उसके दूसरे श्लोक बोलते हैं जो गोपी गीत में गोपियां गाते हैं, जय पिते धिका जन्मनाम ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत ध्रये दैत दुष्यता
लक्ष्मी भी जिनके अभी तक भी हम कौन कौन वृंदावन गए हैं, बेलवन गए कभी, जहाँ पे लक्ष्मी जी वृंदावन में प्रवेश करने के लिए तपस्या करते हैं लेकिन प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा शिव जी उद्धव नारद जितने भी बड़े बड़े देवतागण यहाँ पे स्तुति करते हैं इस वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए, ऐसे वृंदावन धाम में ये इनका जन्म हुआ है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अच्छा ऐसे धाम में जन्म हुआ है, चलो सब तो ठीक है, आप बताओ किसी के लड़की के लिए अगर कोई लड़का देखने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, कैसा सुंदर है, सुंदर ठीक ठाक है कि नहीं, हाँ तो सुंदर भी है कृष्ण, अब नाम कैसा है, नाम भी बड़ा अच्छा है, आकर्षण करने वाला नाम, बड़े सुंदर प्यारा नाम है, और इनका घर में भी क्या है, परिवार लोग सब अच्छे हैं, घर भी है बहुत अच्छा है, नौकरी भी बहुत करते हैं, धन संपत्ति बहुत है, जन्म भी ब्रज में लिया, अब किस चीज को देखोगे बताओ, अब क्या देखोगे उसमें, अब क्या देखोगे, उसके स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसा है, कहीं चोर डकैत करने लगे तो, कहीं शराब पी के घूमने लगे तो, लड़ाई झगड़ा करने लगे तो, तब तो बोलते हैं उसका जो स्वभाव है उसको तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्वभाव उनका है, इस प्रकार का उनका स्वभाव हम कभी वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, जिसको श्री उद्धव जी बताते हैं कि अहो वकीयं श्रवण करेंगे कर, कृष्ण जब 6 दिन के थे ये पूतना क्या हुआ ना बगुली के रूप धारण करके आया, बग के रूप धारण कर आया, बग यानी बगुली, बाहर से तो बड़े सफेद लेकिन अंदर से क्या है, कालकूट जहर अपने स्तन में लेके कृष्ण को मारने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति दिया, धातु उचितम, धातु मैया जैसे माता की गति दे दिया, जो मारने के लिए आया उसको भगवान ने माता की गति दे दिया, कम्बा दयालु शरणम ब्रजे में, इस प्रकार का ब्रज में और इनसे दयालु जगत में इनसे दयालु और कौन हो सकते हैं, जब इस बात को सुनते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी वो तो पूरा ब्रह्म ज्ञान है, जो निर्विकार निर्विशेष मानते थे भगवान को, पूरा ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे, सारे ब्रह्म ज्ञान भूल गए और भूल करके सीधा कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां, कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां ऐसा करके हाथ उठा उठा करके उन चार शिष्य के पास गए और उनको बोलते हैं इसी श्लोक कहाँ से सीखा, बोले गुरुदेव से सुना है, बोले कौन है तुम्हारे गुरुदेव, बोले वेद व्यास जी, उनका एक तोता खो गया है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते भैया वो तोता मैं ही हूँ, तब उनको पकड़ में जैसे ही आ गए तो सुखदेव गोस्वामी पाद को लेके जाते हैं वेद व्यास जी के पास, और फिर व्यास जी ने ये भागवत जी की कथा सुनाया। ये तो हो गया भक्ता के महिमा, जो श्रोता के महिमा वो भी साधारण नहीं है, जिस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया तब भगवान ने किस प्रकार उनको रक्षा किया यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान ने क्या किया, उत्तर माता के गर्भ में पद्म को स्थापन कर दिया, फिर भगवान सोच रहे यद्यपि भगवान का एक एक अस्त्र अमोघ है, इतने शक्ति है कमल में भी साधारण नहीं है, पूरा ब्रह्मास्त्र सारे अस्त्र को भेद करने वाला, फिर भी भगवान सोच रहे कहीं कमल को तो भेद ना कर दें, फिर भगवान ने गर्भ के अंदर शंख स्थापन कर दिया, फिर भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दिया चारों तरफ रक्षा करना सबको, उत्तरा के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बोल दिया, फिर भी सोच रहे हैं कहीं सुदर्शन फेल हो जाए, कहीं संघ फेल हो जाए, 5 जन्य कहीं उनके जो पद्म फेल हो जाए, मैं क्या करता हूँ, गदा लेके भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में घुस गए और गदा घुमा घुमा करके परीक्षित महाराज जी को रक्षा की। धन्य वो माता जो भगवान जब जन्म ग्रहण करते है ना तो एक माता केवल भगवान को जन्म ग्रहण करता है और एक माता केवल भक्तों को जन्म ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ उत्तरा का क्या भाग्य है कि एक साथ भगवान को भी धारण किया और उनके भक्त को भी धारण किया, इसलिए उत्तरा अहो धन्यम उत्तरा धन्य क्या गया है उत्तरा को, और भगवान ने उसको उनको रक्षा किया और रक्षा करने के बाद फिर पंच पांडव को भी रक्षा किया, और जैसे ही परीक्षित महाराज जी गर्भ से
आए तो उसके पश्चात सबको परीक्षा करने लगे कि मुझे जो गर्भ में रक्षा किए वो भगवान कौन है, भगवान कौन है, सबको पूछने लगे इनके लिए, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। इसलिए ये श्रोता भी महाभागवत हैं और ये वक्ता भी यहाँ पे परम भागवत हैं। बोल सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पांच मिनट एक माला करेंगे उसके बाद में कथा को फिर विश्राम कर देगी। एक छोटी सी कथा सुन लो, भगवान के नाम की कितने महिमा ठाकुर जी की नाम जप करने का। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो जब जिस समय श्री परीक्षित महाराज कली को उन्होंने आश्रय दे रहे थे, बोले क्यों, बोले यद्यपि कलियुग में दोषी दोष है लेकिन कलियुग में एक गुण है। क्या गुण है, बोले कलियुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी हरि का नाम ले लो उसी से ही जीव का उद्धार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कलियुग को उन्होंने कली स्थान दिया। इसलिए हम लोग जो ये भगवान की जो नाम जप करते हैं ना, ये साधारण मत समझो। इसलिए भागवत में हरि का नाम को बताया चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिलेगा। छोटी सी एक स्टोरी सुन लो, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति, उसको पास में खाली थाली थी, वो चल रहा था, चलते चलते जब थोड़ी दूर गया ना, देखा 500 रुपया गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में पड़ा हुआ, एक हाथ में खाली थाली। अगर आप लोग कहोगे तो क्या करो, आपसे प्रश्न करना उत्तर भर लोगे ना, माता है बड़े चालाक है। हाँ देखो आप तो चोरी नहीं कर रहे हो, हाँ चोरी तो कर, उसका कोई मालिक नहीं, रास्ते भर लोगे ना, चोरी नहीं, जितना हो सकता भर भर ठोस ठोस करके। लेकिन आगे गए थोड़ी सी, देखा 2000 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, तुम्हारी थाली भर गई, क्या करोगे, हंस रहे हो क्या, बोलो क्या करोगे। फिर 500 रुपया भर गया ना, अगर 2000 रुपया मिल रहा है तो 500 की क्या जरूरत, 500 को निकालोगे फेंकोगे, 2000 भरोगे, वो तो भर गया। लेकिन और थोड़ी दूर गए, लेकिन देखा एकदम हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, तुम्हारी थाली भर गई, फिर क्या करोगे, घर से गाड़ी बुला लो। हाँ देखो गाड़ी है नहीं, लेकिन देखो एक अच्छी चीज समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझो कि जो भगवान की जो नाम की महिमा इसमें बता रहे, अच्छे तरह से ध्यान से सुनो, हैं अच्छे तरह से ध्यान से सुनो, हरि का नाम में कितने शक्ति है। फिर हीरे जवाहरात तो भरोगे क्यों, अगर थोड़ी सी हीरे जवाहरात तो भर लिया तो माली माल हो जाओगे, फिर 2000 रुपया उसको भी फेंकोगे। लेकिन हीरे जवाहरात, लेकिन और थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर गए तो आपको मिला पारस पत्थर। पारस पत्थर नाम सुने हो, जो लोहे को भी सोना बना दे। लेकिन थोड़ी दूर गए तो पारस मणि मिल गया, फिर क्या करोगे, हीरे जवाहरात भी फेंकोगे, क्योंकि लोहे और कितना पैसा, लोहे लाओ उसमें टच कराओ सोना ही सोना बनेगा, पारा से पत्थर है, अभी पारा से पत्थर को भी भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए हैं, लेकिन उससे भी कीमती चीज भागवत में कथा आती है, जिसका नाम कहते हैं स्यमंतक मणि। आगे कथा सुनोगे, ये स्यमंतक मणि जो सत्रा जी, जिसका बेटी सत्यभामा है, कृष्ण की पटरानी,
उसको पिताजी का नाम था सत्राजी। ये सूर्य को साथ में उनकी मित्र था, इसलिए सूर्य देवता प्रसन्न होकर के सत्राजीत को ये सेमंत का मणि दिया था। ये जो सेमंत का मणि है जिसमें सोने की चट्टान अपने आप निकलता है, अष्टभार सुवर्ण अपने आप जिससे निकलता है, जिसको लेकर कितने लड़ाई झगड़ा हुई भी सोने की चट्टान जिससे अपने आप निकलता है, जिसका नाम कहते सेमंत का मणि। कर क्या करोगे, पारस पत्थर भी फेंकेंगे। क्यों, पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करने पर सोना बनेगा, लेकिन इससे तो अपने आप चट्टान के चट्टान सोना निकलता है, इसलिए फिर पारस पत्थर भी फेंकेंगे, हम सेमंत तक मणि लेकर जाएंगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, तो बच्चा तू चुप कर बैठे, मुंह में हाथ लगा बैठे, इसलिए कहते ये थोड़ी सी आगे गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला, उसका नाम कहते चिंतामणि। क्या नाम बोलो, चिंतामणि। मतलब क्या, जो चिंता करो जो मांगो उससे वही मिलेगा। लेकिन जो सेमंत तक मणि है ना, अगर बोलोगे आज हमें ऐसे सब्जी खाना चाहते हैं, ऐसे कपड़ा पहनना चाहते हैं, ऐसी घर चाहते हैं, वो नहीं देगा, वो सोना ही सोना देगा। सोना थोड़ी खाओगे बहन को सोने को है, लेकिन जो चिंता मणि मतलब जो चिंता करो वो उससे वही मिलेगा। इसलिए भागवत कहता है वो चिंता मणि कौन है, कहते ये जो भगवान का जो नाम है, कहते नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। ये जो हरि का नाम है इसको बताया चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जो मांगो चिंता करो वही मिलेगा प्रभु का नाम। इसलिए शंकर जी से हम जाते हैं ना, शंकर जी से बम बम करते हुए चौखट दबाते हैं, शंकर जी को स्नान कराते हैं, हम कहते ना बेटी की शादी हो जाए, कुछ पैसा मिल जाए, हमारी दुकान वकान चल जाए, हम बोलते ना शंकर जी से। क्या शंकर जी का कोई फैक्ट्री लगा रखे तुम्हें दे देंगे? शंकर जी किसके बल पर देते हैं, केवल ठाकुर का नाम की बल पर देते हैं। जैसे हनुमान जी को पास में जाते हैं, हम भी सब कुछ मांगते हैं, हनुमान जी हमें ये दो ये दो, पर हनुमान जी कहाँ से लाते हैं, कोई फैक्ट्री है नहीं, उन्हें राम नाम की बल पर सब चीज को देते हैं, हैं? गणेश जी को भी जो पूजा करते कहाँ से देते हैं, माता जी को पूजा करे कहाँ से देते हैं, देखना सबका हाथ में माला है। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जिसकी दिल मजबूत, जिसे कमजोरी ना माला नहीं जप करेगा, वो बैठ करते इधर उधर तो चुगली कर लेगा घंटे घंटे तक, लेकिन बोले हरि का नाम कर, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है, लेकिन चुगली करते समय बड़े समय। इसलिए कहते जपेगा कोई दिल वाले, जिसका दिल मजबूत है, मतलब देखना अगर कोई गले में कंठी तिलक लगाते हो तुम दिल वाले, दिल तुम्हारी मजबूती है, लेकिन जिसका दिल कमजोरी है ना, माला जप करेंगे फिर दुनिया बोलेगा कि तुम संतान बन गए हो, तुम क्या संतान, तुम क्या संत बन गए हो, बाबा जी बन गए, तुम साधु बन गए हो, शर्म लगेगा ना। लेकिन देखना इधर उधर बात करने के लिए शर्म नहीं लगता है, लेकिन ठाकुर का नाम जप करने के लिए शर्म लगता है। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं, हे अर्जुन ध्यान से कर सुनो, कृष्ण कहते हैं कौन ये हरि नाम को कर सकता है, बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है,
बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी निष्कपट रूप में मेरी पूजा सेवा की अर्जुन, वही मेरे नाम को ले सकता है। भगवान कपिल देव कहते माँ ये हरिनाम कौन कर सकता है जिसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आए। कितना काम करके आए, क्या किया? भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या जो कर चुका है, पूर्व जन्म में पृथ्वी का सारे तीर्थ जो भ्रमण कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने दान जो कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या सारे यज्ञ जो करके आए, किसी जीवन में माँ वही मेरे नाम को जप कर सकता है। बोले माँ मेरे नाम को बोला अहो बत चपोच अतो गरिया, वो चंडाल क्यों नहीं हो है? अगर मेरे नाम को ग्रहण करता है माँ समझना करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से मेरे नाम को भी जप करना है। ये ठाकुर स्वयं कहते हैं, इसलिए प्रभु का नाम को सब नहीं कर सकते हैं, जपेगा कोई दिल वाला, ठीक है ना? तुम तो दिल वाली हो मुझे सब के सब। इसलिए आज हम बैठे करके भगवान के नाम जप करके, मैंने कल बताया था ना महाप्रभु को जब निमंत्रण दिया प्रभु हमारे घर में भोजन, भगवान की आ बोले बोले सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करोगे? बोले जो लखपति, जो लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोर हो 5.5 साल पहले। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप कहते जो लखपति उसको घर में खाओगे? भगवान की आ बोले जानते हो असली लखपति कौन है? रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। अब देख लो अमिताभ बच्चन बोलता है ना कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति। देख लो कैसे लखपति बनेंगे, जैसे माला है ना, जैसे हरे कृष्ण मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अब देख लो बोल करके एक माला सर के, ठीक है? 2 बार बोल कर 2 माला, 3 बार बोल कर 3 माला, जब यहाँ खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करना, ऐसे घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना, ठीक है? देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम है, हैं? जब इसको एक माला हो गया फिर दूसरे, अगर इसे 16 माला हो गया तो 25,000, अगर 64 माला हो गया ना 1,00,000। भगवान कहते तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया ठीक डिपोजिट हो गए। भगवान खुद कहते हैं बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़त सबायो पायो जी मैं राम रतन धन पारू मैं। इसलिए अगर 1,00,000 करोगे तो कल तुम्हें 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 है, ये सब तुम्हारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो रही है। जब शरीर छूटेगा ना माला माल तुम्हारे लिए गोलोक वृंदावन तैयार है, रथ आएगा तुम्हारे लिए वैकुंठ से, और बैठ करके सीधा ठाकुर के पास में सीधा जाओगे, क्योंकि खूब तुम्हारे प्रभु का भजन किया है, भगवान की भक्ति की, ठीक है? एक माला दे दो, इस माला दे दो, दे दो, दो चार काम दे दो, बांट दे, लेकिन बांट दो तो सबके सब, जिनके पास में है मत देना, जिसके पास में नहीं मेरे उनको देना, और ये माला लेना नहीं मेरे को वापस देना है, लेना नहीं। अच्छा जो बड़े बड़े को दो, छोटे बच्चों को मत दिया करो, और जो माला कहाँ गई, और कहाँ गई, लाए नहीं, करते हो क्या, क्या इतना ही माला लेकर क्या, ठीक है? 5 मिनट लगेगा एक माला करने के लिए, और सबके सब बोलना, जिसको पास में है नहीं है तो बोलना, क्योंकि जो ठाकुर का नाम लेगा उसको तो पाप तो उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, उसका सर पर सर पाप बैठ जाएगी। इसलिए सबके सब मुंह खोल करके जोर जोर से देखो ये आवाज इतने दूर तक तो जाएगी, कितना मंगल भवन है अमंगल हरी, गाँव का सारे दुख कष्ट। इधर सुनो एक अच्छी बात सुनो, आज एक कोई बोल रहे किसी गाँव के एक व्यक्ति, यहाँ पर सबको घर में पितर दोष है, क्या दोष है? इसलिए किसी घर में बोल रहे थे कोई, किसी घर में शांति सुख नहीं, किसी ना किसी चीज की इस घर में कमी है। ये पितर दोष कब होता है? जब कोई भजन नहीं करते हैं। देखो ये नरसिंह भगवान कहते हैं बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितर पितर सा, जब कोई व्यक्ति प्रभु का नाम जब करना शुरू करते, ध्यान देकर सुना,
अगर चाहते हो घर में शांति सुख पितर दोष खत्म हो, ये भगवान नरसिंह देव कह रहे प्रहलाद को, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरेषां। जब कोई व्यक्ति हरि का नाम लेते हैं, नृत्यन्ति स्वर्गे, स्वर्ग में पितर लोग नाचना शुरू कर देते। बोले क्यों? कारण किया? बोले और हमें नरक में भोगना नहीं पड़ेगा, और ये हमें दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। देखो पुराण में कथा आती है, एक कोई पापी को एक कुंड में, कौन सा कहते नरक में पेशाब टाटी कुंड में डूबो रहे थे, वो व्यक्ति जोर जोर से हा 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 करते कर धस रहा था। उसको जमदूत ने पूछा, भैया तू हंस रहे क्यों? तेरे को टाटी पेशाब कुंड में डूबे रहे, तू हंस रहे क्यों? बोले जो करना आज कर लो, कर नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले कल मेरे घर में एक व्यक्ति भगवान को भजन करेगा, हरि का नाम लेगा, जो करना आज कर ले, कर से नहीं कर पाओगे। जब हरि का नाम लोगे ना, तुम्हारे जितने पितर लोग हैं नाचना शुरू कर देंगे। कहते हमारी अहो भाग्य है, देखो हमारे वंश में हमारे परिवार के लोग हरि का नाम ले रहे हैं। अगर चाहते हो ये पितर दोष खत्म हो जाए, हरि का नाम लो, इसी सही तुम्हारी पितर दोष खत्म होगी, और घर का जितने दुख कष्ट है हरि का नाम से ही दूर होने वाले। हरि मतलब क्या? हरि मतलब क्या? दुख कष्ट को जो हर ले, ठीक है? इसलिए जोर जोर से हरि नाम करो, तुम्हारे सारे पितर दोष खत्म हो जाए, घर में शांति, घर में सुख आए, ठीक है? मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण कृष्ण। सब आग मंदिर में बैठ जाओ, समझो वृंदावन में, बाकी भी हरि चरण में बैठो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात सर गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब माला खत्म हो गया ना, सब माला फिर वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा सबको, इसलिए माला वापस दे दो। आज जिनकी इच्छा हुई हम जहाँ पर रुके हैं, क्या नाम उनका, पिताजी का नाम क्या है? मुखपाल प्रभु जी घर में हम रुके हैं, जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करने के लिए, अगर सवेरे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे अगर आओगे तो आपको हम माला दे देंगे। इसलिए जिसको हरि नाम लेना हम लोग उनके घर में आ जाना, ठीक है? आप सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे, एक भजन के बाद में आरती और प्रसाद लेकर जाना। इससे पीछे पीछे रहिए, गोविंद सिंह की बिहारी लाल की चले चरण पाओ, चरण पाओ विनोद और प्रेमचंद, इन्होंने आज सभी के लिए प्रसाद दिया, इनके लिए ताली बजाओ जोर से।
दीवाने गीरे क्या